हे फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं द लेजेंड ऑफ ज़ोरो मूवी के बारे में। तो फ्रेंड्स, इस मूवी के आईएमडीबी रेटिंग के बारे में बात करें तो फ्रेंड्स, इस मूवी को आईएमडीबी ने 5.9 आउट ऑफ 10 रेटिंग दिया है और इसे वूडू ने 4.2 आउट ऑफ 5 रेटिंग दिया है और इसे 82% गूगल यूजर्स ने भी लाइक किया है। तो फ्रेंड्स, द लेजेंड ऑफ ज़ोरो ये 2005 की अमेरिकन वेस्टर्न वॉस बुल्कर फिल्म है जिसे डायरेक्ट किए मार्टिन कैंपबेल और स्क्रीन प्ले दी है रॉबर्टो ओरिक, एलेक्स कुर्ट्ज़मैन और इसमें भी स्टोरी दी है रॉबर्ट ओरिक, एलेक्स कुर्ट्ज़मैन, टेड इलियोट, टेरी रोसियो और ये मूवी बेस्ड है ज़ोरो जो कि जॉनस्टोन एमसी क्यूली की है और इसमें भी को प्रोड्यूस किए वॉल्टर एफ फारेक्स, ल्यूरी मैकडोनाल्ड, लेल्यूड फिलिप्स और इस मूवी के स्टारिंग है एंटोनी बैंडरेस, कैथरीन जेट जोन्स, रूफ्यूस सीवेल, निक चिनलॉन्ड और इस मूवी को सिनेमाटोग्राफी की है फिल मी हुक्स और इस मूवी को एडिट की है स्टुअर्ट बैरिट और इस मूवी में म्यूजिक दिए हैं जेम्स हॉर्नर और इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनीज है कोलंबिया पिक्चर्स, एम्बलिन इंटरटेनमेंट, स्पाई ग्लास इंटरटेनमेंट, पार्क्स मैकडोनाल्ड प्रोडक्शंस और इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट की है सोनी पिक्चर्स रिलीजिंग और ये 28 अक्टूबर 2005 को रिलीज हुई और इसका रनिंग टाइम रहा 130 मिनट्स और ये यूनाइटेड स्टेट्स की मूवी है जो कि इंग्लिश और स्पेनिश लैंग्वेज में बनी है और इसका बजट $65 मिलियन रहा और इसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन $142.4 मिलियन रहा। तो फ्रेंड्स, इस मूवी के कास्ट के बारे में बात करें तो फ्रेंड्स, हम इस मूवी में एंटोनी बैंडरीज एज डॉन एलेजेंड्रो डी ला वेगा ज़ोरो के रोल में नजर आए और कैथरीन जेटा जोन्स एस एलिना डी ला वेगा के रोल में और रूफूस सीवेल एस काउंट आर्मैन के रोल में और निक चिनलॉन्ड एस जैकोब मैकगिविन्स के रोल में और एड्रिन एलोंसो एस जोक्विन डी ला वेगा के रोल में और जूलिया ऑस्कर मैकेनोस एस पेड्री फेलिप के रोल में और शूलर हैंसली एस पाइक के रोल में और माइकल इमर्सन एस हैरिगेन के रोल में और लियो बर्मेस्टर एस कॉलिन ब्यूगार्ड के रोल में और टोनी एमेंडोला एस पैट्रिक क्विंटीरो के रोल में और पीट्रो एरमेंड्रेस जेयर एस गोवर्नो रिली के रोल में और गियोवाना जैक्रिस एस ब्लेस कॉर्टेस के रोल में और रॉल मैंडेज एस फेरुक के रोल में और अल्बर्टो रियास एस पैट्रिक इगानिको के रोल में। तो फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो कैसी लग रही है? अगर अच्छी लग रही है तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं और बुरी लग रही है तो डिसलाइक कर सकते हैं। तो चलिए इस मूवी का स्टोरी जानते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मैं आपको इस मूवी का टोटल स्टोरी नहीं बताने वाला हूं। तो फ्रेंड्स, 1850 में पहली फिल्म की घटनाओं के 9 साल बाद कैलिफोर्निया इस बात पर मतदान कर रहा है कि क्या संयुक्त राज्य अमेरिका को एक राज्य के रूप में शामिल किया जाए। एलेजेंद्रो मुरिएटा, जिसे अब डॉन एलेजेंद्रो डी ला वेगा के नाम से जाना जाता है, मतपंत्रों को चुराने की साजिश को विफल करता है, लेकिन जैकब मैंगविनेस नामक एक बंदूकधारी के साथ लड़ाई के दौरान वह संक्षेप में अपना मुखौटा खो देता है। पिंकर्टन एजेंट की एक जोड़ उसका चेहरा देखती है और उसे पहचान लेती है। अगले दिन एजेंट एलेजेंद्रो की पत्नी एलेना का सामना करते हैं और उसे तलाक देने के लिए ब्लैकमेल करते हैं। 3 महीने बाद एलेना और उनके बेटे जैकोन से अलगाव और यह भावना कि लोगों को जब जोरी की ज़रूरत नहीं है अलेक्जेंड्रा पर अपना असर डाल रहे हैं। उनके बचपन के अभिभावक फादर फिलिप उनके फ्रेंच काउंट आर्म्ड के नए अंगूर के बाग में एक पार्टी में भाग लेने के लिए मना लेते हैं। वहाँ अलेक्जेंड्रा को पता चलता है कि एलेना काउंट को डेट कर रही है जो उसके यूरोप में बताए समय की प्रशंसा है। पार्टी छोड़ने के बाद एलेजेंद्रो आर्म की हवेली के पास एक बड़ा विस्फोट दिखता है और उस पर शक करता है। मैंगविस एलेजेंद्रो के मित्र गिलोर्मी कोर्टेंज के परिवार पर हमला का नेतृत्व करता है ताकि उनकी भूमि का विलेख जब्त किया जा सके। अपना मुखौटा फिर से दान करते हुए ज़ोरो गिलमोरो की पत्नी और बेटे को बचाने में सफल होता है, लेकिन गिलोर्मो और विलेक को बचाने में विफल रहता है। ज़ोरो मैकगिविन्स को आर्म की हवेली तक ले जाता है और पता चलता है कि आर्म कोटेज की भूमि पर एक रेलमार्ग बनाने की योजना बना रहा है।
वह एलेना का भी सामना करता है और आगामी शिपमेंट के बारे में सीखते हुए वह मैकग्विंस को एक को में ट्रैक करता है और जहां मार्गों की वितरण किया जाता है उससे अनजान जोकिन ने मैकग्विन की गाड़ी पर एक सवारी भी रोक दी। एक क्लास फील्ड ट्रिप से बाहर हो गया। जोरो अपने बेटे को डाकुओं से बचाता है और शिपमेंट की जांच करते हुए वह उस माल का एक टुकड़ा देखता है, साबुन की एक पट्टी और ओब्रिस यूनम वाक्यस जिसका अर्थ है वन वर्ल्ड एक टोकरा ढक्कन पर लैटिन में वाक्यस पर शोध करने पर फिल्प और एलेक्जेंड्रो को पता चलता है कि आर्म्ड एक गुप्त समाज का मुखिया है। सूरवीर के कार ऑर्गन जो गुप्त रूप से यूरोप पर शासन कर रहा है। संयुक्त राज्य अमेरिका को सूरवीर के लिए खतरा माना जाता है, इसलिए वे बहुत अधिक शक्ति हासिल करने से पहले देश को अराजकता में फेंकने की योजना बना रहे हैं। तो फ्रेंड्स, आगे की स्टोरी जानने के लिए आपको द लेजेंड ऑफ ज़ोरो मूवी को देखना होगा। तो ये 2005 की एक्शन एडवेंचर मूवी है जिसका लेंथ 2 आवर 10 मिनट है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं और बुरी लग रही है तो आप इस वीडियो को डिसलाइक कर सकते हैं। और अभी तक आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर सकते हैं और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस कर ऑल को सेलेक्ट कर सकते हैं जिससे हमारे आने वाली हर एक नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे और आप हमारे चैनल से जुड़े रहे। और फ्रेंड्स, आप हमारे वीडियो में बने रहे और हमारे वीडियो को अंत तक जरूर देखें। हे फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं द लेजेंड ऑफ ज़ोरो मूवी के बारे में। तो फ्रेंड्स, इस मूवी के IMDb रेटिंग के बारे में बात करें तो फ्रेंड्स, इस मूवी को IMDb ने 5.9 आउट ऑफ 10 रेटिंग दिया है और इसे वूडू ने 4.2 आउट ऑफ 5 रेटिंग दिया है और इसे 82% गूगल यूजर्स ने भी लाइक किया है। तो फ्रेंड्स, द लेजेंड ऑफ ज़ोरो ये 2005 की अमेरिकन वेस्टर्न वॉश बल्कर फिल्म है जिसे डायरेक्ट किए हैं मार्टिन कैंपबेल और स्क्रीन प्ले दिए रॉबर्टो ओरिक, एलेक्स कुर्ट्ज़मैन और इसमें भी स्टोरी दी है रॉबर्ट और एलेक्स कुर्ट्ज़मैन, टेड इलियोट, टेरी रोसियो और ये मूवी बेस्ड है ज़ोरो जो कि जॉनस्टोन एमसी क्यूली की है और इस मूवी को प्रोड्यूस किए वॉल्टर एफ फारेक्स, ल्यूरी मैकडोनाल्ड, लेल्यूड फिलिप्स और इस मूवी के स्टारिंग है एंटोनी बैंडरेस, कैथरीन जेट जोन्स, रूफ्यूस सीवेल, निक चिनलॉन्ड और इस मूवी को सिनेमाटोग्राफी की है फिल मी हुक्स और इस मूवी को एडिट किए हैं स्टुअर्ट बैरिट और इस मूवी में म्यूजिक दिए हैं जेम्स हॉर्नर और इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनीज है कोलंबिया पिक्चर्स, एम्बलिन इंटरटेनमेंट, स्पाई ग्लास इंटरटेनमेंट, पार्क्स मैकडोनाल्ड प्रोडक्शंस और इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट की है सोनी पिक्चर्स रिलीजिंग और ये 28 अक्टूबर 2005 को रिलीज हुई और इसका रनिंग टाइम रहा 130 मिनट्स और ये यूनाइटेड स्टेट्स की मूवी है जो कि इंग्लिश और स्पेनिश लैंग्वेज में बनी है और इसका बजट $65 मिलियन रहा और इसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन $142.4 मिलियन रहा। तो फ्रेंड्स, इस मूवी के कास्ट के बारे में बात करें तो फ्रेंड्स, हम इस मूवी में एंटोनी बैंडरीज एज डॉन एलेजेंड्रो डी ला वेगा ज़ोरो के रोल में नजर आए और कैथरीन जेटा जोन्स एस एलिना डी ला वेगा के रोल में और रूफूस सीवेल एस काउंट आर्मैंड के रोल में और निक चिनलॉन्ड एस जैकोब मैकगिविंस के रोल में और एड्रिन एलोंसो एस जोक्विन डी ला वेगा के रोल में और जूलिया ऑस्कर मैकेनोस एस पेड्री फेलिप के रोल में और शूलर हैंसली एस पाइक के रोल में और माइकल इमर्सन एस हैरिगेन के रोल में और लियो बर्मेस्टर एस कॉलिन ब्यूगार्ड के रोल में और टोनी एमेंडोला एस पैट्रिक क्विंटीरो के रोल में और पीड्रो आर्मेंडेज जेयर एस गोवर्नो रिली के रोल में और गियोवाना जैक्रिस एस ब्लेज कॉर्टेज के रोल में और रॉल मैंडेज एस फेरुक के रोल में और अल्बर्टो रियास एस पैड्री इगैनिको के रोल में। तो फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो कैसी लग रही है? अगर अच्छी लग रही है तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं और बुरी लग रही है तो डिसलाइक कर सकते हैं। तो चलिए इस मूवी का स्टोरी जानते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मैं आपको इस मूवी का टोटल स्टोरी नहीं बताने वाला हूं। तो फ्रेंड्स, 1850 में पहली फिल्म की घटनाओं के 9 साल बाद कैलिफोर्निया इस बात पर मतदान कर रहा है कि क्या संयुक्त राज्य अमेरिका को एक राज्य के रूप में शामिल किया जाए। एलेजेंद्रो मुरिएटा, जिसे अब डॉन एलेजेंद्रो डी ला वेगा के नाम से जाना जाता है,
मतपंत्रों को चुराने की साजिश को विफल करता है, लेकिन जैकब मैंग्विनेस नामक एक बंदूकधारी के साथ लड़ाई के दौरान वह संक्षेप में अपना मुखौटा खो देता है। पिंकर्टन एजेंट की एक जोड़ उसका चेहरा देखती है और उसे पहचान लेती है। अगले दिन एजेंट एलेजेंद्रो की पत्नी एलेना का सामना करते हैं और उसे तलाक देने के लिए ब्लैकमेल करते हैं। 3 महीने बाद एलेना और उनके बेटे जैकोन से अलगाव और यह भावना कि लोगों को जब जोरी की जरूरत नहीं है एलेक्जेंड्रा पर अपना असर डाल रहे हैं। उनके बचपन के अभिभावक फादर फिलिप उनके फ्रेंच काउंट आर्म्ड के नए अंगूर के बाग में एक पार्टी में भाग लेने के लिए मना लेते हैं। वहाँ एलेक्जेंड्रा को पता चलता है कि एलेना काउंट को डेट कर रही है, जो उसके यूरोप में बताए समय की प्रशंसा है। पार्टी छोड़ने के बाद एलेजेंद्रो आर्म्ड की हवेली के पास एक बड़ा विस्फोट दिखता है और उस पर शक करता है। मैंग्विस एलेक्जेंद्रो के मित्र गिलोर्मी कोर्टेंज के परिवार पर हमला का नेतृत्व करता है ताकि उनकी भूमि का विलेख जब्त किया जा सके। अपना मुखौटा फिर से दान करते हुए जोरो गिलमोरो की पत्नी और बेटे को बचाने में सफल होता है, लेकिन गिलोर्मो और विलेख को बचाने में विफल रहता है। जोरो मैकगिविंस को आर्म की हवेली तक ले जाता है और पता चलता है कि आर्म कोर्टेज की भूमि पर एक रेलमार्ग बनाने की योजना बना रहा है। वह एलेना का भी सामना करता है और आगामी शिपमेंट के बारे में सीखते हुए वह मैकगिविंस को एक को में ट्रैक करता है और जहां मार्गों की वितरण किया जाता है। उससे अनजान जोकिन ने मैकगिविन की गाड़ी पर एक सवारी भी रोक दी। एक क्लास फील्ड ट्रिप से बाहर हो गया। जोरो अपने बेटे को डाकुओं से बचाता है और शिपमेंट की जांच करते हुए वह उस माल का एक टुकड़ा देखता है। साबुन की एक पट्टी और ओब्रिस यूनम वाक्यास जिसका अर्थ है वन वर्ल्ड एक टोकरा ढक्कन पर लैटिन में वाक्यास पर शोध करने पर फिल्प और एलेक्जेंड्रो को पता चलता है कि आर्म्ड एक गुप्त समाज का मुखिया है। सूरवीर के कार ऑर्गन जो गुप्त रूप से यूरोप पर शासन कर रहा है। संयुक्त राज्य अमेरिका को सूरवीर के लिए खतरा माना जाता है, इसलिए वे बहुत अधिक शक्ति हासिल करने से पहले देश को अराजकता में फेंकने की योजना बना रहे हैं। तो फ्रेंड्स, आगे की स्टोरी जानने के लिए आपको द लेजेंड ऑफ ज़ोरो मूवी को देखना होगा। तो ये 2005 की एक्शन एडवेंचर मूवी है जिसका लेंथ 2 आवर 10 मिनट है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही हो तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, और बुरी लग रही हो तो आप इस वीडियो को डिसलाइक कर सकते हैं। और अभी तक आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर सकते हैं, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस कर ऑल को सेलेक्ट कर सकते हैं, जिससे हमारे आने वाली हर एक नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे और आप हमारे चैनल से जुड़े रहें। और फ्रेंड्स, आप हमारे वीडियो में बने रहें और हमारे वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। हे फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं द लेजेंड ऑफ ज़ोरो मूवी के बारे में। तो फ्रेंड्स, इस मूवी के IMDb रेटिंग के बारे में बात करें तो फ्रेंड्स, इस मूवी को IMDb ने 5.9 आउट ऑफ 10 रेटिंग दिया है, और इसे वूडू ने 4.2 आउट ऑफ 5 रेटिंग दिया है, और इसे 82% गूगल यूजर्स ने भी लाइक किया है। तो फ्रेंड्स, द लेजेंड ऑफ ज़ोरो ये 2005 की अमेरिकन वेस्टर्न वॉस बल्कर फिल्म है, जिसे डायरेक्ट किए हैं मार्टिन कैंपबेल, और स्क्रीन प्ले दिए रॉबर्टो ओरिक, एलेक्स कुर्ट्ज़मैन, और इसमें भी स्टोरी दी है रॉबर्ट और एलेक्स कुर्ट्ज़मैन, टेड इलियोट, टेरी रोसियो, और यह मूवी बेस्ड है ज़ोरो, जो कि जॉनस्टोन एमसी क्यूली की है, और इस मूवी को प्रोड्यूस किए वॉल्टर एफ फारेक्स, ल्यूरी मैकडोनाल्ड, लेल्यूड फिलिप्स, और इस मूवी के स्टारिंग है एंटोनी बैंडरेस, कैथरीन जेट जोन्स, रूफ्यूस सीवेल, निक चिनलॉन्ड, और इस मूवी को सिनेमाटोग्राफी की है फिल मी हुक्स, और इस मूवी को एडिट किए हैं स्टुअर्ट बैरिट, और इस मूवी में म्यूजिक दिए हैं जेम्स हॉर्नर, और इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनीज है कोलंबिया पिक्चर्स, एम्बलिन इंटरटेनमेंट, स्पाई ग्लास इंटरटेनमेंट, पार्क्स मैकडोनाल्ड प्रोडक्शंस, और इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट की है सोनी पिक्चर्स रिलीजिंग, और ये 28 अक्टूबर 2005 को रिलीज हुई, और इसका रनिंग टाइम रहा 130 मिनट्स, और ये
यूनाइटेड स्टेट्स की मूवी है जो कि इंग्लिश और स्पेनिश लैंग्वेज में बनी है और इसका बजट 65 मिलियन डॉलर रहा और इसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 142.4 मिलियन डॉलर रहा। तो फ्रेंड्स इस मूवी के कास्ट के बारे में बात करें तो फ्रेंड्स हम इस मूवी में एंटोनी बैंड्रीज एज डॉन एलेजेंड्रो डी ला वेगा जोरू के रोल में नजर आए और कैथरीन जेटा जोन्स एस एलिना डी ला वेगा के रोल में और रूफूस सीवेल एस काउंट आर्मैंड के रोल में और निक चिनलोंड एस जैकोब मैकगिविंस के रोल में और एड्रिन अलोंसो एस जोक्विन डी ला वेगा के रोल में और जूलिया ऑस्कर मैकेनोस एस पेड्री फेलिप के रोल में और शूलर हैंसली एस पाइक के रोल में और माइकल इमर्सन एस हैरिगेन के रोल में और लियो बर्मेस्टर एस कॉलिन ब्यूगार्ड के रोल में और टोनी एमेंडोला एस पैड्रिक क्विंटीरो के रोल में और पीड्रो एरमेंड्रेस जेयर एस गोवर्नो रिली के रोल में और गियोवाना जैक्रिस एस ब्लेस कॉर्टेस के रोल में और रॉल मैंडेज एस फेरुक के रोल में और अल्बर्टो रियास एस पैड्री इगैनिको के रोल में। तो फ्रेंड्स आपको ये वीडियो कैसी लग रही है? अगर अच्छी लग रही है तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं और बुरी लग रही है तो डिसलाइक कर सकते हैं। तो चलिए इस मूवी का स्टोरी जानते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मैं आपको इस मूवी का टोटल स्टोरी नहीं बताने वाला हूं। तो फ्रेंड्स 1850 में पहली फिल्म की घटनाओं के 9 साल बाद कैलिफोर्निया इस बात पर मतदान कर रहा है कि क्या संयुक्त राज्य अमेरिका को एक राज्य के रूप में शामिल किया जाए। एलेजेंद्रो मुरिएटा, जिसे अब डॉन एलेजेंद्रो डी ला वेगा के नाम से जाना जाता है, मतपंत्रों को चुराने की साजिश को विफल करता है, लेकिन जैकब मैंगविनेस नामक एक बंदूकधारी के साथ लड़ाई के दौरान वो संक्षेप में अपना मुखौटा खो देता है। पिंकर्टन एजेंट की एक जोड़ उसका चेहरा देखती है और उसे पहचान लेती है। अगले दिन एजेंट एलेजेंद्रो की पत्नी एलेना का सामना करते हैं और उसे तलाक देने के लिए ब्लैकमेल करते हैं। 3 महीने बाद एलेना और उनके बेटे जैकोन से अलगाव और यह भावना कि लोगों को जब जोरी की ज़रूरत नहीं है अलेक्जेंड्रा पर अपना असर डाल रहे हैं। उनके बचपन के अभिभावक फादर फिलिप उनके फ्रेंच काउंट आर्म्ड के नए अंगूर के बाग में एक पार्टी में भाग लेने के लिए मना लेते हैं। वहाँ अलेक्जेंड्रा को पता चलता है कि एलेना काउंट को डेट कर रही है, जो उसके यूरोप में बताए समय की प्रशंसा है। पार्टी छोड़ने के बाद अलेजेंद्रो आर्म्ड की हवेली के पास एक बड़ा विस्फोट दिखता है और उस पर शक करता है। मैंगविस अलेजेंद्रो के मित्र गिलोर्मी कोर्टेंज के परिवार पर हमला का नेतृत्व करता है ताकि उनकी भूमि का विलेख जब्त किया जा सके। अपना मुखौटा फिर से दान करते हुए जोरो गिलमोरो की पत्नी और बेटे को बचाने में सफल होता है, लेकिन गिलोर्मो और विलेख को बचाने में विफल रहता है। जोरो मैकगिविंस को आर्म्ड की हवेली तक ले जाता है और पता चलता है कि आर्म्ड कोर्टेज की भूमि पर एक रेल मार्ग बनाने की योजना बना रहा है। वह एलेना का भी सामना करता है और आगामी शिपमेंट के बारे में सीखते हुए वह मैकगिविंस को एक को में ट्रैक करता है और जहां मार्गों की वितरण किया जाता है। उससे अनजान जोकिन ने मैकगिविन की गाड़ी पर एक सवारी भी रोक दी, एक क्लास फील्ड ट्रिप से बाहर हो गया। जोरो अपने बेटे को डाकुओं से बचाता है और शिपमेंट की जांच करते हुए वह उस माल का एक टुकड़ा देखता है, साबुन की एक पट्टी और ओब्रिस यूनम वाक्यास, जिसका अर्थ है वन वर्ल्ड एक टोकरा ढक्कन पर लैटिन में वाक्यास पर शोध करने पर फिल्प और अलेक्जेंड्रो को पता चलता है कि आर्म्ड एक गुप्त समाज का मुखिया है, सुरवीर के कार ऑर्गन, जो गुप्त रूप से यूरोप पर शासन कर रहा है। संयुक्त राज्य अमेरिका को सुरवीर के लिए खतरा माना जाता है, इसलिए वे बहुत अधिक शक्ति हासिल करने से पहले देश को अराजकता में फेंकने की योजना बना रहे हैं। तो फ्रेंड्स आगे की स्टोरी जानने के लिए आपको द लेजेंड ऑफ जोरो मूवी को देखना होगा। तो ये 2005 की एक्शन एडवेंचर मूवी है जिसका लेंथ 2 आवर 10 मिनट है। तो फ्रेंड्स
अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही हो तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, और बुरी लग रही हो तो आप इस वीडियो को डिसलाइक कर सकते हैं। और अभी तक आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर सकते हैं, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस कर ऑल को सेलेक्ट कर सकते हैं, जिससे हमारे आने वाली हर एक नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे और आप हमारे चैनल से जुड़े रहे। और फ्रेंड्स, आप हमारे वीडियो में बने रहे और हमारे वीडियो को अंत तक जरूर देखें। हे फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं द लेजेंड ऑफ ज़ोरो मूवी के बारे में। तो फ्रेंड्स, इस मूवी के आईएमडीबी रेटिंग के बारे में बात करें तो फ्रेंड्स, इस मूवी को आईएमडीबी ने 5.9 आउट ऑफ 10 रेटिंग दिया है, और इसे वूडू ने 4.2 आउट ऑफ 5 रेटिंग दिया है, और इसे 82% गूगल यूजर्स ने भी लाइक किया है। तो फ्रेंड्स, द लेजेंड ऑफ ज़ोरो ये 2005 की अमेरिकन वेस्टर्न वॉस बुल्कर फिल्म है, जिसे डायरेक्ट किए मार्टिन कैंपबेल, और स्क्रीन प्ले दिए रॉबर्टो ओरिक, एलेक्स कुर्ट्ज़मैन, और इसमें भी स्टोरी दी है रॉबर्ट ओरिक, एलेक्स कुर्ट्ज़मैन, टेड इलियोट, टेरी रोसियो, और ये मूवी बेस्ड है ज़ोरो, जो कि जॉनस्टोन एमसी क्यूली की है, और इस मूवी को प्रोड्यूस किए वॉल्टर एफ फारेक्स, ल्यूरी मैकडोनाल्ड, लेल्यूड फिलिप्स, और इस मूवी के स्टारिंग है एंटोनी बैंडरेस, कैथरीन जेट जोन्स, रूफ्यूस सीवेल, निक चिनलॉन्ड, और इस मूवी को सिनेमाटोग्राफी की है फिल मी हुक्स, और इस मूवी को एडिट किए स्टुअर्ट बैरिट, और इस मूवी में म्यूजिक दिए जेम्स हॉर्नर, और इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनीज है कोलंबिया पिक्चर्स, एम्बलिन इंटरटेनमेंट, स्पाई ग्लास इंटरटेनमेंट, पार्क्स मैकडोनाल्ड प्रोडक्शंस, और इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट की है सोनी पिक्चर्स रिलीजिंग, और ये 28 अक्टूबर 2005 को रिलीज हुई, और इसका रनिंग टाइम रहा 130 मिनट्स, और ये यूनाइटेड स्टेट्स की मूवी है जो कि इंग्लिश और स्पेनिश लैंग्वेज में बनी है, और इसका बजट $65 मिलियन रहा, और इसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन $142.4 मिलियन रहा। तो फ्रेंड्स, इस मूवी के कास्ट के बारे में बात करें तो फ्रेंड्स, हम इस मूवी में एंटोनी बैंडरीज एज डॉन एलेजेंड्रो डी ला वेगा ज़ोरू के रोल में नजर आए, और कैथरीन जेटा जोन्स एस एलिना डी ला वेगा के रोल में, और रूफूस सीवेल एस काउंट आर्मैंड के रोल में, और निक चिनलॉन्ड एस जैकोब मैकगिविन्स के रोल में, और एड्रिन अलोंसो एस जोक्विन डी ला वेगा के रोल में, और जूलिया ऑस्कर मैकेनोस एस पेड्री फेलिप के रोल में, और शूलर हैंसली एस पाइक के रोल में, और माइकल इमर्सन एस हैरिगेन के रोल में, और लियो बर्मेस्टर एस कॉलिन ब्यूगार्ड के रोल में, और टोनी एमेंडोला एस पैट्रिक क्विंटीरो के रोल में, और पीट्रो एरमेंड्रेस जेयर एस गोवर्नो रिली के रोल में, और गियोवाना जैक्रिस एस ब्लेस कॉर्टेस के रोल में, और रॉल मैंडेज एस फेरुक के रोल में, और अल्बर्टो रियास एस पैट्रिक इगानिको के रोल में। तो फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो कैसी लग रही है? अगर अच्छी लग रही है तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, और बुरी लग रही है तो डिसलाइक कर सकते हैं। तो चलिए इस मूवी का स्टोरी जानते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मैं आपको इस मूवी का टोटल स्टोरी नहीं बताने वाला हूं। तो फ्रेंड्स, 1850 में पहली फिल्म की घटनाओं के 9 साल बाद कैलिफोर्निया इस बात पर मतदान कर रहा है कि क्या संयुक्त राज्य अमेरिका को एक राज्य के रूप में शामिल किया जाए। एलेजेंद्रो मुरिएटा, जिसे अब डॉन एलेजेंद्रो डी ला वेगा के नाम से जाना जाता है, मतपंत्रों को चुराने की साजिश को विफल करता है, लेकिन जैकब मैंगविनेस नामक एक बंदूकधारी के साथ लड़ाई के दौरान वह संक्षेप में अपना मुखौटा खो देता है। पिंकर्टन एजेंट की एक जोड़ उसका चेहरा देखती है और उसे पहचान लेती है। अगले दिन एजेंट एलेजेंद्रो की पत्नी एलेना का सामना करते हैं और उसे तलाक देने के लिए ब्लैकमेल करते हैं। 3 महीने बाद एलेना और उनके बेटे जैकोन से अलगाव, और यह भावना कि लोगों को जब जोरी की ज़रूरत नहीं है, अलेक्जेंड्रा पर अपना असर डाल रहे हैं। उनके बचपन के अभिभावक फादर फेलिप उनके फ्रेंच काउंट आर्म्ड के नए अंगूर के बाग में एक पार्टी में भाग लेने के लिए मना लेते हैं। वहाँ अलेक्जेंड्रा को पता चलता है कि एलेना काउंट को डेट कर रही है, जो उसके यूरोप में बताए समय की प्रशंसा है। पार्टी छोड़ने के बाद एलेजेंद्रो आर्म्ड की हवेली के पास एक बड़ा विस्फोट दिखता है और उस पर शक करता है। मैंगविस एलेजेंद्रो के मित्र गिलोर्मी कोर्टेंज के परिवार पर हमला का नेतृत्व करता है, ताकि उनकी भूमि का विलेख
जब्त किया जा सके। अपना मुखौटा फिर से दान करते हुए जोरो गिलमोरो की पत्नी और बेटे को बचाने में सफल होता है, लेकिन गिलोरमो और विलेक को बचाने में विफल रहता है। जोरो मैकगिविंस को आर्म की हवेली तक ले जाता है और पता चलता है कि आर्म कोटेज की भूमि पर एक रेल मार्ग बनाने की योजना बना रहा है। वह एलेना का भी सामना करता है और आगामी शिपमेंट के बारे में सीखते हुए वह मैकगिविंस को एक को में ट्रैक करता है और जहां मार्गों की वितरण किया जाता है। उससे अनजान जोकिन ने मैकगिविन की गाड़ी पर एक सवारी भी रोक दी। एक क्लास फील्ड ट्रिप से बाहर हो गया। जोरो अपने बेटे को डाकुओं से बचाता है और शिपमेंट की जांच करते हुए वह उस माल का एक टुकड़ा देखता है, साबुन की एक पट्टी और ओब्रिस यूनम वाक्यास जिसका अर्थ है वन वर्ल्ड एक टोकरा ढक्कन पर लैटिन में वाक्यास पर शोध करने पर फिल्प और एलेक्जेंड्रो को पता चलता है कि आर्म्ड एक गुप्त समाज का मुखिया है। सूरवीर के कार ऑर्गन जो गुप्त रूप से यूरोप पर शासन कर रहा है। संयुक्त राज्य अमेरिका को सूरवीर के लिए खतरा माना जाता है, इसलिए वे बहुत अधिक शक्ति हासिल करने से पहले देश को अराजकता में फेंकने की योजना बना रहे हैं। तो फ्रेंड्स, आगे की स्टोरी जानने के लिए आपको द लेजेंड ऑफ जोरो मूवी को देखना होगा। तो ये 2005 की एक्शन एडवेंचर मूवी है जिसका लेंथ 2 hours 10 minutes है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही हो तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, और बुरी लग रही हो तो आप इस वीडियो को डिसलाइक कर सकते हैं। और अभी तक आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर सकते हैं, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस कर ऑल को सेलेक्ट कर सकते हैं, जिससे हमारे आने वाली हर एक नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे और आप हमारे चैनल से जुड़े रहें। और फ्रेंड्स, आप हमारे वीडियो में बने रहें और हमारे वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। हे फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं द लेजेंड ऑफ जोरो मूवी के बारे में। तो फ्रेंड्स, इस मूवी के IMDb रेटिंग के बारे में बात करें तो फ्रेंड्स, इस मूवी को IMDb ने 5.9 out of 10 रेटिंग दिया है, और इसे वूडू ने 4.2 out of 5 रेटिंग दिया है, और इसे 82% गूगल यूजर्स ने भी लाइक किया है। तो फ्रेंड्स, द लेजेंड ऑफ जोरो ये 2005 की अमेरिकन वेस्टर्न वॉश बल्कर फिल्म है, जिसे डायरेक्ट किए हैं मार्टिन कैंपबेल, और स्क्रीन प्ले दिए रॉबर्टो ओरिक, एलेक्स कुर्ट्ज़मैन, और इसमें भी स्टोरी दी है रॉबर्ट ओरिक, एलेक्स कुर्ट्ज़मैन, टेड इलियोट, टेरी रोसियो, और ये मूवी बेस्ड है जोरो जो कि जॉनस्टोन एमसी क्यूली की है, और इस मूवी को प्रोड्यूस किए वॉल्टर एफ फारेक्स, ल्यूरी मैकडोनाल्ड, लेल्यूड फिलिप्स, और इस मूवी के स्टारिंग है एंटोनी बैंडरेस, कैथरीन जेट जोन्स, रूफ्यूस सीवेल, निक चिनलॉन्ड, और इस मूवी को सिनेमाटोग्राफी की है फिल मी हुक्स, और इस मूवी को एडिट किए हैं स्टुअर्ट बैरिट, और इस मूवी में म्यूजिक दिए हैं जेम्स हॉर्नर, और इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनीज है कोलंबिया पिक्चर्स, एम्बलिन इंटरटेनमेंट, स्पाई ग्लास इंटरटेनमेंट, पार्क्स मैकडोनाल्ड प्रोडक्शंस, और इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट की है सोनी पिक्चर्स रिलीजिंग, और ये 28 अक्टूबर 2005 को रिलीज हुई, और इसका रनिंग टाइम रहा 130 minutes, और ये यूनाइटेड स्टेट्स की मूवी है जो कि इंग्लिश और स्पेनिश लैंग्वेज में बनी है, और इसका बजट $65 million रहा, और इसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन $142.4 million रहा। तो फ्रेंड्स, इस मूवी के कास्ट के बारे में बात करें तो फ्रेंड्स, हम इस मूवी में एंटोनी बैंडरीज एज डॉन एलेजेंड्रो डी ला वेगा जोरो के रोल में नजर आए, और कैथरीन जेटा जोन्स एस एलिना डी ला वेगा के रोल में, और रूफूस सीवेल एस काउंट आर्मैंड के रोल में, और निक चिनलॉन्ड एस जैकोब मैकगिविंस के रोल में, और एड्रिन एलोंसो एस जोक्विन डी ला वेगा के रोल में, और जूलिया ऑस्कर मैकेनोस एस पेड्री फेलिप के रोल में, और शूलर हैंसली एस पाइक के रोल में, और माइकल इमर्सन एस हैरिगेन के रोल में, और लियो बर्मेस्टर एस कॉलिन ब्यूगार्ड के रोल में, और टोनी एमेंडोला एस पैड्रिक क्विंटीरो के रोल में, और पीट्रो एरमेंड्रेस जेयर एस गोवर्नो रिली के रोल में, और गियोवाना जैक्रिस एस ब्लेस कॉर्टेज के रोल में, और रॉल मैंडेज एस फेरुक के रोल में, और अल्बर्टो रियास एस पैड्री इगैनिको के रोल में। तो फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो कैसी लग रही है
अगर अच्छी लग रही है तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, और बुरी लग रही है तो डिसलाइक कर सकते हैं। तो चलिए इस मूवी का स्टोरी जानते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मैं आपको इस मूवी का टोटल स्टोरी नहीं बताने वाला हूं। तो फ्रेंड्स, 1850 में पहली फिल्म की घटनाओं के 9 साल बाद कैलिफोर्निया इस बात पर मतदान कर रहा है कि क्या संयुक्त राज्य अमेरिका को एक राज्य के रूप में शामिल किया जाए। एलेजद्रो मुरिएटा, जिसे अब डॉन एलेजद्रो डी ला वेगा के नाम से जाना जाता है, मतपंत्रों को चुराने की साजिश को विफल करता है। लेकिन जैकब मैंग्वीनस नामक एक बंदूकधारी के साथ लड़ाई के दौरान वह संक्षेप में अपना मुखौटा खो देता है। पिंकर्टन एजेंट की एक जोड़ उसका चेहरा देखती है और उसे पहचान लेती है। अगले दिन एजेंट एलेजेंद्रो की पत्नी एलेना का सामना करते हैं और उसे तलाक देने के लिए ब्लैकमेल करते हैं। 3 महीने बाद एलेना और उनके बेटे जैकोन से अलगाव, और यह भावना कि लोगों को जब जोरी की ज़रूरत नहीं है, एलेक्जेंड्रा पर अपना असर डाल रहे हैं। उनके बचपन के अभिभावक फादर फिलिप उनके फ्रेंच काउंट आर्म्ड के नए अंगूर के बाग में एक पार्टी में भाग लेने के लिए मना लेते हैं। वहाँ एलेक्जेंड्रा को पता चलता है कि एलेना काउंट को डेट कर रही है, जो उसके यूरोप में बताए समय की प्रशंसा है। पार्टी छोड़ने के बाद एलेजेंद्रो आर्म्ड की हवेली के पास एक बड़ा विस्फोट दिखता है और उस पर शक करता है। मैंग्विस एलेजेंद्रो के मित्र गिलोर्मी कोर्टेंज के परिवार पर हमला का नेतृत्व करता है ताकि उनकी भूमि का विलेख जब्त किया जा सके। अपना मुखौटा फिर से दान करते हुए जोरो गिलमोरो की पत्नी और बेटे को बचाने में सफल होता है, लेकिन गिलोर्मो और विलेख को बचाने में विफल रहता है। जोरो मैकगिविंस को आर्म की हवेली तक ले जाता है और पता चलता है कि आर्म कोटेज की भूमि पर एक रेल मार्ग बनाने की योजना बना रहा है। वह एलेना का भी सामना करता है और आगामी शिपमेंट के बारे में सीखते हुए वह मैकगिविंस को में ट्रैक करता है, और जहां मार्गों की वितरण किया जाता है उससे अनजान जोकिन ने मैकगिविन की गाड़ी पर एक सवारी भी रोक दी। एक क्लास फील्ड ट्रिप से बाहर हो गया। जोरो अपने बेटे को डाकुओं से बचाता है और शिपमेंट की जांच करते हुए वह उस माल का एक टुकड़ा देखता है। साबुन की एक पट्टी और ओब्रिस यूनम वाक्यास, जिसका अर्थ है वन वर्ल्ड, एक टोकरा ढक्कन पर लैटिन में वाक्यास पर शोध करने पर फिल्प और एलेक्जेंड्रो को पता चलता है कि आर्म्ड एक गुप्त समाज का मुखिया है। सूरवीर के कार ऑर्गन, जो गुप्त रूप से यूरोप पर शासन कर रहा है। संयुक्त राज्य अमेरिका को सूरवीर के लिए खतरा माना जाता है, इसलिए वे बहुत अधिक शक्ति हासिल करने से पहले देश को अराजकता में फेंकने की योजना बना रहे हैं। तो फ्रेंड्स, आगे की स्टोरी जानने के लिए आपको द लेजेंड ऑफ जोरो मूवी को देखना होगा। तो ये 2005 की एक्शन एडवेंचर मूवी है, जिसका लेंथ 2 आवर 10 मिनट है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, और बुरी लग रही है तो आप इस वीडियो को डिसलाइक कर सकते हैं। और अभी तक आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर सकते हैं, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस कर ऑल को सेलेक्ट कर सकते हैं, जिससे हमारे आने वाली हर एक नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे और आप हमारे चैनल से जुड़े रहें। और फ्रेंड्स, आप हमारे वीडियो में बने रहें और हमारे वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। हे फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं द लेजेंड ऑफ जोरो मूवी के बारे में। तो फ्रेंड्स, इस मूवी के IMDb रेटिंग के बारे में बात करें तो फ्रेंड्स, इस मूवी को IMDb ने 5.9 आउट ऑफ 10 रेटिंग दिया है, और इसे वूडू ने 4.2 आउट ऑफ 5 रेटिंग दिया है, और इसे 82% गूगल यूजर्स ने भी लाइक किया है। तो फ्रेंड्स, द लेजेंड ऑफ जोरो ये 2005 की अमेरिकन वेस्टर्न वॉस बुल्कर फिल्म है, जिसे डायरेक्ट किए मार्टिन कैंपबेल, और स्क्रीन प्ले दिए रॉबर्टो ओरिक, एलेक्स कुर्ट्ज़मैन, और इसमें भी स्टोरी दी है रॉबर्ट और एलेक्स कुर्ट्ज़मैन, टेड इलियोट, टेरी रोसियो, और यह मूवी बेस्ड है जोरो, जो कि जॉनस्टोन एमसी क्यूली की है, और इसमें भी को प्रोड्यूस किए वॉल्टर एफ फारेक्स, ल्यूरी मैकडोनाल्ड, लेल्यूड फिलिप्स, और इसमें भी के स्टारिंग है एंटोनी बैंड्रेस, कैथरीन जेट जोन्स, रूफ्यूस सीवेल,
निक चीन लॉन्ड, और इस मूवी को सिनेमाटोग्राफी की है फिल मे हुक्स, और इस मूवी को एडिट किए हैं स्टुअर्ट बैरिट, और इस मूवी में म्यूजिक दिए हैं जेम्स हॉर्नर, और इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनीज है कोलंबिया पिक्चर्स, एम्बलिन इंटरटेनमेंट, स्पाई ग्लास इंटरटेनमेंट, पार्क्स मैकडोनल्ड प्रोडक्शंस, और इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट की है सोनी पिक्चर्स रिलीजिंग, और ये 28 अक्टूबर 2005 को रिलीज हुई, और इसका रनिंग टाइम रहा 130 मिनट्स, और ये यूनाइटेड स्टेट्स की मूवी है जो कि इंग्लिश और स्पेनिश लैंग्वेज में बनी है, और इसका बजट $65 मिलियन रहा, और इसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन $142.4 मिलियन रहा। तो फ्रेंड्स इस मूवी के कास्ट के बारे में बात करें तो फ्रेंड्स हम इस मूवी में एंटोनी बैंड्रीज एज डॉन एलेजेंड्रो डी ला वेगा जोरू के रोल में नजर आए, और कैथरीन जेटा जोन्स एस एलिना डी ला वेगा के रोल में, और रूफूस सीवेल एस काउंट आर्मैंड के रोल में, और निक चिनलॉन्ड एस जैकोब मैकगिविन्स के रोल में, और एड्रिन एलोंसो एस जोक्विन डी ला वेगा के रोल में, और जूलिया ऑस्कर मैकेनोस एस पेड्री फेलिप के रोल में, और शूलर हैंसली एस पाइक के रोल में, और माइकल इमर्सन एस हैरीगेन के रोल में, और लियो बर्मेस्टर एस कॉलिन ब्यूगार्ड के रोल में, और टोनी एमेंडोला एस पैट्रिक क्विंटीरो के रोल में, और पीट्रो एरमेंड्रेज जेयर एस गोवर्नो रिली के रोल में, और गियोवाना जैक्रिस एस ब्लेस कॉर्टेज के रोल में, और रॉल मैंडेज एस फेरुक के रोल में, और अल्बर्टो रियास एस पैड्री इगैनिको के रोल में। तो फ्रेंड्स आपको ये वीडियो कैसी लग रही है? अगर अच्छी लग रही है तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, और बुरी लग रही है तो डिसलाइक कर सकते हैं। तो चलिए इस मूवी का स्टोरी जानते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मैं आपको इस मूवी का टोटल स्टोरी नहीं बताने वाला हूं। तो फ्रेंड्स 1850 में पहली फिल्म की घटनाओं के 9 साल बाद कैलिफोर्निया इस बात पर मतदान कर रहा है कि क्या संयुक्त राज्य अमेरिका को एक राज्य के रूप में शामिल किया जाए। एलेजेंद्रो मुरिएटा, जिसे अब डॉन एलेजेंद्रो डी ला वेगा के नाम से जाना जाता है, मतपंत्रों को चुराने की साजिश को विफल करता है, लेकिन जैकब मैंगविनेस नामक एक बंदूकधारी के साथ लड़ाई के दौरान वह संक्षेप में अपना मुखौटा खो देता है। पिंकर्टन एजेंट की एक जोड़ उसका चेहरा देखती है और उसे पहचान लेती है। अगले दिन एजेंट एलेजेंद्रो की पत्नी एलेना का सामना करते हैं और उसे तलाक देने के लिए ब्लैकमेल करते हैं। 3 महीने बाद एलेना और उनके बेटे जैकोन से अलगाव, और यह भावना कि लोगों को जब जोरी जोरी की ज़रूरत नहीं है अलेक्जेंड्रा पर अपना असर डाल रहे हैं। उनके बचपन के अभिभावक फादर फिलिप उनके फ्रेंच काउंट आर्म्ड के नए अंगूर के बाग में एक पार्टी में भाग लेने के लिए मना लेते हैं। वहाँ अलेक्जेंड्रा को पता चलता है कि एलेना काउंट को डेट कर रही है, जो उसके यूरोप में बताए समय की प्रशंसा है। पार्टी छोड़ने के बाद एलेजेंद्रो आर्म्ड की हवेली के पास एक बड़ा विस्फोट दिखता है और उस पर शक करता है। मैंगविस एलेजेंद्रो के मित्र गिलोर्मी कोर्टेंज के परिवार पर हमला का नेतृत्व करता है ताकि उनकी भूमि का विलेख जब्त किया जा सके। अपना मुखौटा फिर से दान करते हुए जोरो गिलमोरो की पत्नी और बेटे को बचाने में सफल होता है, लेकिन गिलोर्मो और विलेक को बचाने में विफल रहता है। जोरो मैकगिविन्स को आर्म की हवेली तक ले जाता है और पता चलता है कि आर्म कोर्टेज की भूमि पर एक रेल मार्ग बनाने की योजना बना रहा है। वह एलेना का भी सामना करता है और आगामी शिपमेंट के बारे में सीखते हुए वह मैकगिविन्स को एक को में ट्रैक करता है, और जहां मार्गों की वितरात किया जाता है उससे अनजान जोकिन ने मैकगिविन की गाड़ी पर एक सवारी भी रोक दी। एक क्लास फील्ड ट्रिप से बाहर हो गया। जोरो अपने बेटे को डाकुओं से बचाता है और शिपमेंट की जाँच करते हुए वह उस माल का एक टुकड़ा देखता है, साबुन की एक पट्टी और ओब्रिस यूनम वाक्यास, जिसका अर्थ है वन वर्ल्ड, एक टोकरा ढक्कन पर लैटिन में। वाक्यास पर शोध करने पर फिल्प और एलेक्जेंड्रो को पता चलता है कि आर्म्ड एक गुप्त समाज का मुखिया है, सुरवीर के कार ऑर्गन, जो गुप्त रूप से यूरोप पर शासन कर रहा है।
संयुक्त राज्य अमेरिका को सूरवीर के लिए खतरा माना जाता है, इसलिए वे बहुत अधिक शक्ति हासिल करने से पहले देश को अराजकता में फेंकने की योजना बना रहे हैं। तो फ्रेंड्स, आगे की स्टोरी जानने के लिए आपको द लेजेंड ऑफ ज़ोरो मूवी को देखना होगा। तो ये 2005 की एक्शन एडवेंचर मूवी है जिसका लेंथ 2 hours 10 minutes है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही हो तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, और बुरी लग रही हो तो आप इस वीडियो को डिसलाइक कर सकते हैं। और अभी तक आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर सकते हैं, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस कर ऑल को सेलेक्ट कर सकते हैं, जिससे हमारे आने वाली हर एक नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे और आप हमारे चैनल से जुड़े रहें। और फ्रेंड्स, आप हमारे वीडियो में बने रहें और हमारे वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। हे फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं द लेजेंड ऑफ ज़ोरो मूवी के बारे में। तो फ्रेंड्स, इस मूवी के IMDb रेटिंग के बारे में बात करें तो फ्रेंड्स, इस मूवी को IMDb ने 5.9 out of 10 रेटिंग दिया है, और इसे वूडू ने 4.2 out of 5 रेटिंग दिया है, और इसे 82% गूगल यूजर्स ने भी लाइक किया है। तो फ्रेंड्स, द लेजेंड ऑफ ज़ोरो ये 2005 की अमेरिकन वेस्टर्न वॉस बल्कर फिल्म है, जिसे डायरेक्ट किए हैं मार्टिन कैंपबेल, और स्क्रीन प्ले दी है रॉबर्टो ओरिक, एलेक्स कुर्ट्ज़मैन, और इसमें भी स्टोरी दी है रॉबर्ट ओरिक, एलेक्स कुर्ट्ज़मैन, टेड इलियोट, टेरी रोसियो, और ये मूवी बेस्ड है ज़ोरो, जो कि जॉनस्टोन एमसी क्यूली की है, और इसमें भी को प्रोड्यूस किए वॉल्टर एफ फारेक्स, ल्यूरी मैकडोनाल्ड, लेल्यूड फिलिप्स, और इस मूवी के स्टारिंग है एंटोनी बैंडरेस, कैथरीन जेट जोन्स, रूफ्यूस सीवेल, निक चिनलॉन्ड, और इस मूवी को सिनेमाटोग्राफी की है फिल मी हुक्स, और इस मूवी को एडिट किए हैं स्टुअर्ट बैरिट, और इस मूवी में म्यूजिक दिए हैं जेम्स हॉर्नर, और इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनीज है कोलंबिया पिक्चर्स, एम्बलिन इंटरटेनमेंट, स्पाई ग्लास इंटरटेनमेंट, पार्क्स मैकडोनाल्ड प्रोडक्शंस, और इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट की है सोनी पिक्चर्स रिलीजिंग, और ये 28 अक्टूबर 2005 को रिलीज हुई, और इसका रनिंग टाइम रहा 130 minutes, और ये यूनाइटेड स्टेट्स की मूवी है जो कि इंग्लिश और स्पेनिश लैंग्वेज में बनी है, और इसका बजट $65 million रहा, और इसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन $142.4 million रहा। तो फ्रेंड्स, इस मूवी के कास्ट के बारे में बात करें तो फ्रेंड्स, हम इस मूवी में एंटोनी बैंडरीज एज डॉन एलेजेंड्रो डी ला वेगा ज़ोरो के रोल में नजर आए, और कैथरीन जेटा जोन्स एस एलिना डी ला वेगा के रोल में, और रूफूस सीवेल एस काउंट आर्मैंड के रोल में, और निक चिनलॉन्ड एस जैकोब मैकगिविंस के रोल में, और एड्रिन अलोंसो एस जोक्विन डी ला वेगा के रोल में, और जूलिया ऑस्कर मैकेनोस एस पेड्री फेलिप के रोल में, और शूलर हैंसली एस पाइक के रोल में, और माइकल इमर्सन एस हैरिगन के रोल में, और लियो बर्मेस्टर एस कॉलिन ब्यूगार्ड के रोल में, और टोनी एमेंडोला एस पैट्रिक क्विंटीरो के रोल में, और पीड्रो आर्मेंडेज जेयर एस गोवर्नो रिली के रोल में, और गियोवाना जैक्रिस एस ब्लेस कॉर्टेज के रोल में, और रॉल मैंडेज एस फेरुक के रोल में, और अल्बर्टो रियास एस पैड्री इगानिको के रोल में। तो फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो कैसी लग रही है? अगर अच्छी लग रही है तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, और बुरी लग रही है तो डिसलाइक कर सकते हैं। तो चलिए इस मूवी का स्टोरी जानते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मैं आपको इस मूवी का टोटल स्टोरी नहीं बताने वाला हूं। तो फ्रेंड्स, 1850 में पहली फिल्म की घटनाओं के 9 साल बाद कैलिफोर्निया इस बात पर मतदान कर रहा है कि क्या संयुक्त राज्य अमेरिका को एक राज्य के रूप में शामिल किया जाए। एलेजेंद्रो मुरिएटा, जिसे अब डॉन एलेजेंद्रो डी ला वेगा के नाम से जाना जाता है, मतपंत्रों को चुराने की साजिश को विफल करता है, लेकिन जैकब मैंगविनेस नामक एक बंदूकधारी के साथ लड़ाई के दौरान वह संक्षेप में अपना मुखौटा खो देता है। पिंकर्टन एजेंट की एक जोड़ उसका चेहरा देखती है और उसे पहचान लेती है। अगले दिन एजेंट एलेजेंद्रो की पत्नी एलेना का सामना करते हैं और उसे तलाक देने के लिए ब्लैकमेल करते हैं। 3 महीने बाद एलेना और उनके बेटे जैकोन से अलगाव, और यह भावना कि लोगों को जब जोरी की ज़रूरत नहीं है, अलेक्जेंड्रा पर अपना असर डाल रहे हैं। उनके बचपन के अभिभावक फादर फेलिप उनके फ्रेंच काउंट आर्म्ड के नए अंगूर के बाग में एक पार्टी में भाग लेने के लिए अब मना लेते हैं। वहाँ
एलेक्जेंड्रा को पता चलता है कि एलेना काउंट को डेट कर रही है, जो उसके यूरोप में बताए समय की प्रशंसा है। पार्टी छोड़ने के बाद एलेजेंद्रो आर्म्ड की हवेली के पास एक बड़ा विस्फोट दिखता है और उस पर शक करता है। मैंग्विस एलेक्जेंद्रो के मित्र गिलोर्मी कोर्टेंज के परिवार पर हमला का नेतृत्व करता है ताकि उनकी भूमि का विलेख जब्त किया जा सके। अपना मुखौटा फिर से दान करते हुए जोरो गिलमोरो की पत्नी और बेटे को बचाने में सफल होता है, लेकिन गिलोर्मो और विलेख को बचाने में विफल रहता है। जोरो मैकगिविंस को आर्म की हवेली तक ले जाता है और पता चलता है कि आर्म कोर्टेज की भूमि पर एक रेल मार्ग बनाने की योजना बना रहा है। वह एलेना का भी सामना करता है और आगामी शिपमेंट के बारे में सीखते हुए वह मैकगिविंस को एक को में ट्रैक करता है और जहां मार्गों की वितरण किया जाता है। उससे अनजान जोकिन ने मैकगिविन की गाड़ी पर एक सवारी भी रोक दी। एक क्लास फील्ड ट्रिप से बाहर हो गया। जोरो अपने बेटे को डाकुओं से बचाता है और शिपमेंट की जांच करते हुए वह उस माल का एक टुकड़ा देखता है, साबुन की एक पट्टी और ओब्रिस यूनम वाक्यास जिसका अर्थ है वन वर्ल्ड एक टोकरा ढक्कन पर लैटिन में वाक्यास पर शोध करने पर फिल्प और एलेक्जेंड्रो को पता चलता है कि आर्म्ड एक गुप्त समाज का मुखिया है। सुरवीर के कार ऑर्गन जो गुप्त रूप से यूरोप पर शासन कर रहा है। संयुक्त राज्य अमेरिका को सुरवीर के लिए खतरा माना जाता है, इसलिए वे बहुत अधिक शक्ति हासिल करने से पहले देश को अराजकता में फेंकने की योजना बना रहे हैं। तो फ्रेंड्स, आगे की स्टोरी जानने के लिए आपको द लेजेंड ऑफ जोरो मूवी को देखना होगा। तो ये 2005 की एक्शन एडवेंचर मूवी है जिसका लेंथ 2 आवर 10 मिनट है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही हो तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, और बुरी लग रही हो तो आप इस वीडियो को डिसलाइक कर सकते हैं। और अभी तक आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर सकते हैं, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस कर ऑल को सेलेक्ट कर सकते हैं, जिससे हमारे आने वाली हर एक नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे और आप हमारे चैनल से जुड़े रहें। और फ्रेंड्स, आप हमारे वीडियो में बने रहें और हमारे वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। हे फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं द लेजेंड ऑफ जोरो मूवी के बारे में। तो फ्रेंड्स, इस मूवी के IMDb रेटिंग के बारे में बात करें तो फ्रेंड्स, इस मूवी को IMDb ने 5.9 आउट ऑफ 10 रेटिंग दिया है, और इसे वूडू ने 4.2 आउट ऑफ 5 रेटिंग दिया है, और इसे 82% गूगल यूजर्स ने भी लाइक किया है। तो फ्रेंड्स, द लेजेंड ऑफ जोरो ये 2005 की अमेरिकन वेस्टर्न वॉस बल्कर फिल्म है, जिसे डायरेक्ट किए हैं मार्टिन कैंपबेल, और स्क्रीन प्ले दिए रॉबर्टो ओरिक, एलेक्स कुर्ट्ज़मैन, और इसमें भी स्टोरी दी है रॉबर्ट और एलेक्स कुर्ट्ज़मैन, टेड इलियोट, टेरी रोसियो, और ये मूवी बेस्ड है जोरो, जो कि जॉनस्टोन एमसी क्यूली की है, और इसमें भी को प्रोड्यूस किए वॉल्टर एफ फारेक्स, ल्यूरी मैकडोनाल्ड, लेल्यूड फिलिप्स, और इसमें भी के स्टारिंग है एंटोनी बैंड्रेस, कैथरीन जेट जोन्स, रूफ्यूस सीवेल, निक चिनलॉन्ड, और इस मूवी को सिनेमाटोग्राफी की है फिल मी हुक्स, और इस मूवी को एडिट किए हैं स्टुअर्ट बैरिट, और इस मूवी में म्यूजिक दिए हैं जेम्स हॉर्नर, और इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनीज है कोलंबिया पिक्चर्स, एम्बलिन इंटरटेनमेंट, स्पाई ग्लास इंटरटेनमेंट, पार्क्स मैकडोनाल्ड प्रोडक्शंस, और इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट की है सोनी पिक्चर्स रिलीजिंग, और ये 28 अक्टूबर 2005 को रिलीज हुई, और इसका रनिंग टाइम रहा 130 मिनट्स, और ये यूनाइटेड स्टेट्स की मूवी है जो कि इंग्लिश और स्पेनिश लैंग्वेज में बनी है, और इसका बजट $65 मिलियन रहा, और इसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन $142.4 मिलियन रहा। तो फ्रेंड्स, इस मूवी के कास्ट के बारे में बात करें तो फ्रेंड्स, हम इस मूवी में एंटोनी बैंड्रीज एज डॉन एलेजेंड्रो डी ला वेगा जोरो के रोल में नजर आए, और कैथरीन जेटा जोन्स एस एलिना डी ला वेगा के रोल में, और रूफूस सीवेल एस काउंट आर्मैंड के रोल में, और निक चिनलॉन्ड एस जैकोब मैकगिविंस के रोल में, और एड्रिन एलोंसो एस जोक्विन डी ला वेगा के रोल में, और जूलिया ऑस्कर मैकेनोस एस पेड्री फेलिप के रोल में, और शूलर हैंसली एस पाइक के रोल में, और माइकल इमर्सन एस हैरिगेन के रोल में, और लियो बर्मेस्टर एस कॉलिन ब्यूगार्ड के रोल में, और टोनी एमेंडोला एस
पैट्रिक क्विंटीरो के रोल में और पीट्रो एरमेंडरेस जेयर एस गोवर्नो रिली के रोल में और गियोवाना जैक्रिस एस ब्लेज कॉर्टेस के रोल में और रॉल मैंडेज एस फेरुक के रोल में और अल्बर्टो रियास एस पैड्री इगैनिको के रोल में। तो फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो कैसी लग रही है? अगर अच्छी लग रही है तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं और बुरी लग रही है तो डिसलाइक कर सकते हैं। तो चलिए इस मूवी का स्टोरी जानते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मैं आपको इस मूवी का टोटल स्टोरी नहीं बताने वाला हूं। तो फ्रेंड्स, 1850 में पहली फिल्म की घटनाओं के 9 साल बाद कैलिफोर्निया इस बात पर मतदान कर रहा है कि क्या संयुक्त राज्य अमेरिका को एक राज्य के रूप में शामिल किया जाए। एलेजद्रो मुरिएटा, जिसे अब डॉन एलेजद्रो डी ला वेगा के नाम से जाना जाता है, मतपंत्रों को चुराने की साजिश को विफल करता है, लेकिन जैकब मैंग्विनेस नामक एक बंदूकधारी के साथ लड़ाई के दौरान वह संक्षेप में अपना मुखौटा खो देता है। पिंकर्टन एजेंट की एक जोड़ उसका चेहरा देखती है और उसे पहचान लेती है। अगले दिन एजेंट एलेजेंद्रो की पत्नी एलेना का सामना करते हैं और उसे तलाक देने के लिए ब्लैकमेल करते हैं। 3 महीने बाद एलेना और उनके बेटे जैकोन से अलगाव और यह भावना कि लोगों को जब जोरी की ज़रूरत नहीं है अलेक्जेंड्रा पर अपना असर डाल रहे हैं। उनके बचपन के अभिभावक फादर फिलिप उनके फ्रेंच काउंट आर्म्ड के नए अंगूर के बाग में एक पार्टी में भाग लेने के लिए मना लेते हैं। वहाँ अलेक्जेंड्रा को पता चलता है कि एलेना काउंट को डेट कर रही है, जो उसके यूरोप में बताए समय की प्रशंसा है। पार्टी छोड़ने के बाद अलेजेंद्रो आर्म की हवेली के पास एक बड़ा विस्फोट दिखता है और उस पर शक करता है। मैंग्विस अलेक्जेंड्रो के मित्र गिलोर्मी कोर्टेंज के परिवार पर हमला का नेतृत्व करता है ताकि उनकी भूमि का विलेख जब्त किया जा सके। अपना मुखौटा फिर से दान करते हुए जोरो गिलमोरो की पत्नी और बेटे को बचाने में सफल होता है, लेकिन गिलोर्मो और विलेख को बचाने में विफल रहता है। जोरो मैकगिविंस को आर्म की हवेली तक ले जाता है और पता चलता है कि आर्म कोर्टेज की भूमि पर एक रेल मार्ग बनाने की योजना बना रहा है। वह एलेना का भी सामना करता है और आगामी शिपमेंट के बारे में सीखते हुए वह मैकगिविंस को एक को में ट्रैक करता है और जहां मार्गों की वितरण किया जाता है। उससे अनजान जोकिन ने मैकगिविन की गाड़ी पर एक सवारी भी रोक दी। एक क्लास फील्ड ट्रिप से बाहर हो गया। जोरो अपने बेटे को डाकुओं से बचाता है और शिपमेंट की जांच करते हुए वह उस माल का एक टुकड़ा देखता है, साबुन की एक पट्टी और ओब्रिस यूनम वाक्यास, जिसका अर्थ है वन वर्ल्ड एक टोकरा ढक्कन पर लैटिन में वाक्यास पर शोध करने पर फिल्प और अलेक्जेंड्रो को पता चलता है कि आर्म्ड एक गुप्त समाज का मुखिया है। सुरवीर के कार ऑर्गन जो गुप्त रूप से यूरोप पर शासन कर रहा है। संयुक्त राज्य अमेरिका को सुरवीर के लिए खतरा माना जाता है, इसलिए वे बहुत अधिक शक्ति हासिल करने से पहले देश को अराजकता में फेंकने की योजना बना रहे हैं। तो फ्रेंड्स, आगे की स्टोरी जानने के लिए आपको द लेजेंड ऑफ ज़ोरो मूवी को देखना होगा। तो ये 2005 की एक्शन एडवेंचर मूवी है जिसका लेंथ 2 आवर 10 मिनट है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं और बुरी लग रही है तो आप इस वीडियो को डिसलाइक कर सकते हैं। और अभी तक आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर सकते हैं और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस कर ऑल को सेलेक्ट कर सकते हैं, जिससे हमारे आने वाली हर एक नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे और आप हमारे चैनल से जुड़े रहे। और फ्रेंड्स, आप हमारे वीडियो में बने रहे और हमारे वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। हे फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं द लेजेंड ऑफ ज़ोरो मूवी के बारे में। तो फ्रेंड्स, इस मूवी के आईएमडीबी रेटिंग के बारे में बात करें तो फ्रेंड्स, इस मूवी को आईएमडीबी ने 5.9 आउट ऑफ 10 रेटिंग दिया है और इसे वूडू ने 4.2 आउट ऑफ 5 रेटिंग दिया है और इसे 82% गूगल यूजर्स ने भी लाइक किया है। तो फ्रेंड्स, द लेजेंड ऑफ ज़ोरो ये 2005 की अमेरिकन वेस्टर्न वॉस बल्कर फिल्म है, जिसे डायरेक्ट किए हैं मार्टिन कैंपबेल और स्क्रीन प्ले दिए रॉबर्टो ओरिक, एलेक्स कुर्ट्ज़मैन, और इसमें भी स्टोरी दी है रॉबर्ट और एलेक्स कुर्ट्ज़मैन,
टेड इलियट, टेरी रोसियो, और ये मूवी बेस्ड है जोरो जो कि जॉन स्टोन एम सी क्यूली की है, और इस मूवी को प्रोड्यूस किए वॉल्टर एफ फारेक्स, ल्यूरी मैकडोनाल्ड, लेल्यूड फिलिप्स, और इस मूवी के स्टारिंग है एंटोनी बैंडरेस, कैथरीन जेट जोन्स, रूफ्यूस सीवेल, निक चिनलॉन्ड, और इस मूवी को सिनेमाटोग्राफी की है फिल मी हुक्स, और इस मूवी को एडिट किए हैं स्टुअर्ट बैरिट, और इस मूवी में म्यूजिक दिए हैं जेम्स हॉर्नर, और इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनीज है कोलंबिया पिक्चर्स, एम्बलिन इंटरटेनमेंट, स्पाई ग्लास इंटरटेनमेंट, पार्क्स मैकडोनाल्ड प्रोडक्शंस, और इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट की है सोनी पिक्चर्स रिलीजिंग, और ये 28 अक्टूबर 2005 को रिलीज हुई, और इसका रनिंग टाइम है 130 मिनट्स, और ये यूनाइटेड स्टेट्स की मूवी है जो कि इंग्लिश और स्पेनिश लैंग्वेज में बनी है, और इसका बजट $65 मिलियन रहा, और इसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन $142.4 मिलियन रहा। तो फ्रेंड्स, इस मूवी के कास्ट के बारे में बात करें तो फ्रेंड्स, हम इस मूवी में एंटोनी बैंडरीज एज डॉन एलेजेंड्रो डी ला वेगा जोरू के रोल में नजर आए, और कैथरीन जेटा जोन्स एस एलिना डी ला वेगा के रोल में, और रूफूस सीवेल एस काउंट आर्मैंड के रोल में, और निक चिनलॉन्ड एस जैकोब मैकगिविंस के रोल में, और एड्रिन अलोंसो एस जोक्विन डी ला वेगा के रोल में, और जूलिया ऑस्कर मैकेनोस एस पेड्री फेलिप के रोल में, और शूलर हैंसली एस पाइक के रोल में, और माइकल इमर्सन एस हैरिगेन के रोल में, और लियो बर्मेस्टर एस कॉलिन ब्यूगार्ड के रोल में, और टोनी एमेंडोला एस पैट्रिक क्विंटीरो के रोल में, और पीट्रो एरमेंड्रेस जेयर एस गोवर्नो रिली के रोल में, और गियोवाना जैक्रिस एस ब्लेस कॉर्टेज के रोल में, और रॉल मैंडेज एस फेरुक के रोल में, और अल्बर्टो रियास एस पैट्री इगैनिको के रोल में। तो फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो कैसी लग रही है? अगर अच्छी लग रही है तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, और बुरी लग रही है तो डिसलाइक कर सकते हैं। तो चलिए इस मूवी का स्टोरी जानते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मैं आपको इस मूवी का टोटल स्टोरी नहीं बताने वाला हूं। तो फ्रेंड्स, 1850 में पहली फिल्म की घटनाओं के 9 साल बाद कैलिफोर्निया इस बात पर मतदान कर रहा है कि क्या संयुक्त राज्य अमेरिका को एक राज्य के रूप में शामिल किया जाए। एलेजेंद्रो मुरिएटा, जिसे अब डॉन एलेजेंद्रो डी ला वेगा के नाम से जाना जाता है, मतपंत्रों को चुराने की साजिश को विफल करता है, लेकिन जैकब मैंगविनेस नामक एक बंदूकधारी के साथ लड़ाई के दौरान वह संक्षेप में अपना मुखौटा खो देता है। पिंकर्टन एजेंट की एक जोड़ उसका चेहरा देखती है और उसे पहचान लेती है। अगले दिन एजेंट एलेजेंद्रो की पत्नी एलेना का सामना करते हैं और उसे तलाक देने के लिए ब्लैकमेल करते हैं। 3 महीने बाद एलेना और उनके बेटे जैकोन से अलगाव, और यह भावना कि लोगों को जब जोरी की जरूरत नहीं है, अलेक्जेंड्रा पर अपना असर डाल रहे हैं। उनके बचपन के अभिभावक फादर फेलिप उनके फ्रेंच काउंट आर्म्ड के नए अंगूर के बाग में एक पार्टी में भाग लेने के लिए मना लेते हैं। वहाँ अलेक्जेंड्रा को पता चलता है कि एलेना काउंट को डेट कर रही है, जो उसके यूरोप में बताए समय की प्रशंसा है। पार्टी छोड़ने के बाद एलेजेंद्रो आर्म्ड की हवेली के पास एक बड़ा विस्फोट दिखता है और उस पर शक करता है। मैंगविस एलेजेंद्रो के मित्र गिलोर्मी कोर्टेंज के परिवार पर हमला का नेतृत्व करता है ताकि उनकी भूमि का विलेख जब्त किया जा सके। अपना मुखौटा फिर से दान करते हुए जोरो गिलमोरो की पत्नी और बेटे को बचाने में सफल होता है, लेकिन गिलोर्मो और विलेख को बचाने में विफल रहता है। जोरो मैकगिविंस को आर्म की हवेली तक ले जाता है और पता चलता है कि आर्म कोर्टेज की भूमि पर एक रेलमार्ग बनाने की योजना बना रहा है। वह एलेना का भी सामना करता है और आगामी शिपमेंट के बारे में सीखते हुए वह मैकगिविंस को एक को में ट्रैक करता है, और जहां मार्गों की वितरात किया जाता है, उससे अनजान जोकिन ने मैकगिविन की गाड़ी पर एक सवारी भी रोक दी। एक क्लास फील्ड ट्रिप से बाहर हो गया। जोरो अपने बेटे को डाकुओं से बचाता है और शिपमेंट की जांच करते हुए वह माल का एक टुकड़ा देखता है, साबुन की एक पट्टी और ओब्रिस यूनम वाक्यास, जिसका अर्थ है वन वर्ल्ड एक
टोकरा ढक्कन पर लैटिन में वाक्यांश पर शोध करने पर फिल्प और अलेक्जेंड्रो को पता चलता है कि आर्म्ड एक गुप्त समाज का मुखिया है। सूरवीर के कार ऑर्गन जो गुप्त रूप से यूरोप पर शासन कर रहा है। संयुक्त राज्य अमेरिका को सूरवीर के लिए खतरा माना जाता है, इसलिए वे बहुत अधिक शक्ति हासिल करने से पहले देश को अराजकता में फेंकने की योजना बना रहे हैं। तो फ्रेंड्स, आगे की स्टोरी जानने के लिए आपको द लेजेंड ऑफ ज़ोरो मूवी को देखना होगा। तो ये 2005 की एक्शन एडवेंचर मूवी है जिसका लेंथ 2 hours 10 minutes है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही हो तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, और बुरी लग रही हो तो आप इस वीडियो को डिसलाइक कर सकते हैं। और अभी तक आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर सकते हैं, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस कर ऑल को सेलेक्ट कर सकते हैं, जिससे हमारे आने वाली हर एक नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे और आप हमारे चैनल से जुड़े रहें। और फ्रेंड्स, आप हमारे वीडियो में बने रहें और हमारे वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। हे फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं द लेजेंड ऑफ ज़ोरो मूवी के बारे में। तो फ्रेंड्स, इस मूवी के IMDb रेटिंग के बारे में बात करें तो फ्रेंड्स, इस मूवी को IMDb ने 5.9 out of 10 रेटिंग दिया है, और इसे वूडू ने 4.2 out of 5 रेटिंग दिया है, और इसे 82% गूगल यूजर्स ने भी लाइक किया है। तो फ्रेंड्स, द लेजेंड ऑफ ज़ोरो ये 2005 की अमेरिकन वेस्टर्न वॉश बल्कर फिल्म है, जिसे डायरेक्ट किए हैं मार्टिन कैंपबेल, और स्क्रीन प्ले दिए रॉबर्टो ओरिक, एलेक्स कुर्ट्ज़मैन, और इसमें भी स्टोरी दी है रॉबर्ट ओरिक, एलेक्स कुर्ट्ज़मैन, टेड इलियोट, टेरी रोसियो, और ये मूवी बेस्ड है ज़ोरो, जो कि जॉनस्टोन एमसी क्यूली की है, और इस मूवी को प्रोड्यूस किए वॉल्टर एफ फारेक्स, ल्यूरी मैकडोनाल्ड, लेल्यूड फिलिप्स, और इस मूवी के स्टारिंग है एंटोनी बैंडरेस, कैथरीन जेट जोन्स, रूफ्यूस सीवेल, निक चिनलॉन्ड, और इस मूवी को सिनेमाटोग्राफी की है फिल मी हुक्स, और इस मूवी को एडिट किए स्टुअर्ट बैरिट, और इस मूवी में म्यूजिक दिए हैं जेम्स हॉर्नर, और इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनीज है कोलंबिया पिक्चर्स, एम्बलिन इंटरटेनमेंट, स्पाई ग्लास इंटरटेनमेंट, पार्क्स मैकडोनाल्ड प्रोडक्शंस, और इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट की है सोनी पिक्चर्स रिलीजिंग, और ये 28 अक्टूबर 2005 को रिलीज हुई, और इसका रनिंग टाइम रहा 130 minutes, और ये यूनाइटेड स्टेट्स की मूवी है जो कि इंग्लिश और स्पेनिश लैंग्वेज में बनी है, और इसका बजट $65 million रहा, और इसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन $142.4 million रहा। तो फ्रेंड्स, इस मूवी के कास्ट के बारे में बात करें तो फ्रेंड्स, हम इस मूवी में एंटोनी बैंडरीज एज डॉन अलेजेंड्रो डी ला वेगा ज़ोरो के रोल में नजर आए, और कैथरीन जेटा जोन्स एस एलिना डी ला वेगा के रोल में, और रूफूस सीवेल एस काउंट आर्मैंड के रोल में, और निक चिनलॉन्ड एस जैकोब मैकगिविंस के रोल में, और एड्रिन अलोंसो एस जोक्विन डी ला वेगा के रोल में, और जूलिया ऑस्कर मैकेनोस एस पेड्री फिलिप के रोल में, और शूलर हैंसली एस पाइक के रोल में, और माइकल इमर्सन एस हैरिगन के रोल में, और लियो बर्मेस्टर एस कॉलिन ब्यूगार्ड के रोल में, और टोनी एमेंडोला एस पैड्रिक क्विंटीरो के रोल में, और पीड्रो आर्मेंडेज जेयर एस गोवर्नो रिली के रोल में, और गियोवाना जैक्रिस एस ब्लेस कॉर्टेज के रोल में, और रॉल मैंडेज एस फेरुक के रोल में, और अल्बर्टो रियास एस पैड्री इगैनिको के रोल में। तो फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो कैसी लग रही है? अगर अच्छी लग रही है तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, और बुरी लग रही है तो डिसलाइक कर सकते हैं। तो चलिए इस मूवी का स्टोरी जानते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मैं आपको इस मूवी का टोटल स्टोरी नहीं बताने वाला हूं। तो फ्रेंड्स, 1850 में पहली फिल्म की घटनाओं के 9 साल बाद कैलिफोर्निया इस बात पर मतदान कर रहा है कि क्या संयुक्त राज्य अमेरिका को एक राज्य के रूप में शामिल किया जाए। अलेजेंद्रो मुरिएटा, जिसे अब डॉन अलेजेंद्रो डी ला वेगा के नाम से जाना जाता है, मतपंत्रों को चुराने की साजिश को विफल करता है, लेकिन जैकब मैंगविनेस नामक एक बंदूकधारी के साथ लड़ाई के दौरान वह संक्षेप में अपना मुखौटा खो देता है। पिंकर्टन एजेंट की एक जोड़ उसका चेहरा देखती है और उसे पहचान लेती है। अगले दिन एजेंट अलेजेंद्रो की पत्नी एलेना का सामना करते हैं और उसे तलाक देने के लिए ब्लैकमेल करते हैं। 3 महीने बाद एलेना और उनके बेटे जैकोन से अलगाव, और यह भावना कि लोगों को जब जोरी की ज़रूरत नहीं है, अलेक्जेंड्रा पर अपना असर डाल रहे हैं,
उनके बचपन के अभिभावक फादर फेलिप उनके फ्रेंच काउंट आर्म्ड के नए अंगूर के बाग में एक पार्टी में भाग लेने के लिए मना लेते हैं। वहाँ एलेक्जेंड्रा को पता चलता है कि एलेना काउंट को डेट कर रही है, जो उसके यूरोप में बताए समय की प्रशंसा है। पार्टी छोड़ने के बाद एलेजेंद्रो आर्म्ड की हवेली के पास एक बड़ा विस्फोट दिखता है और उस पर शक करता है। मैंग्विस एलेजेंद्रो के मित्र गिलोर्मी कोर्टेंज के परिवार पर हमला का नेतृत्व करता है ताकि उनकी भूमि का विलेख जब्त किया जा सके। अपना मुखौटा फिर से दान करते हुए जोरो गिलमोरो की पत्नी और बेटे को बचाने में सफल होता है, लेकिन गिलोर्मो और विलेख को बचाने में विफल रहता है। जोरो मैकगिविंस को आर्म्ड की हवेली तक ले जाता है और पता चलता है कि आर्म्ड कोर्टेज की भूमि पर एक रेल मार्ग बनाने की योजना बना रहा है। वह एलेना का भी सामना करता है और आगामी शिपमेंट के बारे में सीखते हुए वह मैकगिविंस को में ट्रैक करता है और जहां मार्गों की वितरण किया जाता है। उससे अनजान जोपिन ने मैकगिविन की गाड़ी पर एक सवारी भी रोक दी। एक क्लास फील्ड ट्रिप से बाहर हो गया। जोरो अपने बेटे को डाकुओं से बचाता है और शिपमेंट की जांच करते हुए वह उस माल का एक टुकड़ा देखता है, साबुन की एक पट्टी और ओब्रिस यूनम वाक्यास, जिसका अर्थ है वन वर्ल्ड, एक टोकरा ढक्कन पर लैटिन में वाक्यास पर शोध करने पर फिल्प और एलेक्जेंड्रो को पता चलता है कि आर्म्ड एक गुप्त समाज का मुखिया है, सुरवीर के कार ऑर्गन, जो गुप्त रूप से यूरोप पर शासन कर रहा है। संयुक्त राज्य अमेरिका को सुरवीर के लिए खतरा माना जाता है, इसलिए वे बहुत अधिक शक्ति हासिल करने से पहले देश को अराजकता में फेंकने की योजना बना रहे हैं। तो फ्रेंड्स, आगे की स्टोरी जानने के लिए आपको द लेजेंड ऑफ जोरो मूवी को देखना होगा। तो ये 2005 की एक्शन एडवेंचर मूवी है जिसका लेंथ 2 hours 10 minutes है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, और बुरी लग रही है तो आप इस वीडियो को डिसलाइक कर सकते हैं। और अभी तक आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर सकते हैं, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस कर ऑल को सेलेक्ट कर सकते हैं, जिससे हमारे आने वाली हर एक नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे और आप हमारे चैनल से जुड़े रहे। और फ्रेंड्स, आप हमारे वीडियो में बने रहे और हमारे वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। हे फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं द लेजेंड ऑफ जोरो मूवी के बारे में। तो फ्रेंड्स, इस मूवी के IMDb रेटिंग के बारे में बात करें तो फ्रेंड्स, इस मूवी को IMDb ने 5.9 out of 10 रेटिंग दिया है, और इसे वूडू ने 4.2 out of 5 रेटिंग दिया है, और इसे 82% गूगल यूजर्स ने भी लाइक किया है। तो फ्रेंड्स, द लेजेंड ऑफ जोरो ये 2005 की अमेरिकन वेस्टर्न वॉस बल्कर फिल्म है, जिसे डायरेक्ट किए मार्टिन कैंपबेल और स्क्रीन प्ले दिए रॉबर्टो ओरिक, एलेक्स कुर्ट्ज़मैन, और इसमें भी स्टोरी दी है रॉबर्ट और एलेक्स कुर्ट्ज़मैन, टेड इलियोट, टेरी रोसियो, और यह मूवी बेस्ड है जोरो, जो कि जॉनस्टोन एमसी क्यूली की है, और इस मूवी को प्रोड्यूस किए वॉल्टर एफ फारेक्स, ल्यूरी मैकडोनाल्ड, लेल्यूड फिलिप्स, और इस मूवी के स्टारिंग है एंटोनी बैंडरेस, कैथरीन जेट जोन्स, रूफ्यूस सीवेल, निक चिनलॉन्ड, और इस मूवी को सिनेमाटोग्राफी की है फिल मे हुक्स, और इस मूवी को एडिट किए स्टुअर्ट बैरिट, और इस मूवी में म्यूजिक दिए जेम्स हॉर्नर, और इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी से कोलंबिया पिक्चर्स, एम्बलिन इंटरटेनमेंट, स्पाई ग्लास इंटरटेनमेंट, पार्क्स मैकडोनाल्ड प्रोडक्शंस, और इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट की है सोनी पिक्चर्स रिलीजिंग, और ये 28 अक्टूबर 2005 को रिलीज हुई, और इसका रनिंग टाइम रहा 130 minutes, और ये यूनाइटेड स्टेट्स की मूवी है जो कि इंग्लिश और स्पेनिश लैंग्वेज में बनी है, और इसका बजट $65 million रहा, और इसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन $142.4 million रहा। तो फ्रेंड्स, इस मूवी के कास्ट के बारे में बात करें तो फ्रेंड्स, हम इस मूवी में एंटोनी बैंडरीज एज डॉन एलेजेंड्रो डी ला वेगा जोरो के रोल में नजर आए, और कैथरीन जेटा जोन्स एस एलिना डी ला वेगा के रोल में, और रूफूस सीवेल एस काउंट आर्मैंड के रोल में, और निक चिनलॉन्ड एस जैकोब मैकगिविंस के रोल में, और एड्रिन अलोंसो एस जोक्विन डी ला वेगा के रोल में, और जूलिया ऑस्कर मैकेनोस एस पेड्री फेलिप
के रोल में और शूलर हैंसली एज पाइक के रोल में और माइकल इमर्सन एज हैरीगेन के रोल में और लियो बर्मेस्टर एज कॉलिन ब्यूगार्ड के रोल में और टोनी एमेंडोला एज पैट्रिक क्विंटीरो के रोल में और पीट्रो एरमेंड्रेज जेयर एज गोवर्नो रिली के रोल में और गियोवाना जैक्रिस एज ब्लेज कॉर्टेज के रोल में और रॉल मैंडेज एज फेरुक के रोल में और अल्बर्टो रियाज एज पैड्री इगैनिको के रोल में। तो फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो कैसी लग रही है? अगर अच्छी लग रही है तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं और बुरी लग रही है तो डिसलाइक कर सकते हैं। तो चलिए इस मूवी का स्टोरी जानते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मैं आपको इस मूवी का टोटल स्टोरी नहीं बताने वाला हूं। तो फ्रेंड्स, 1850 में पहली फिल्म की घटनाओं के 9 साल बाद कैलिफोर्निया इस बात पर मतदान कर रहा है कि क्या संयुक्त राज्य अमेरिका को एक राज्य के रूप में शामिल किया जाए। एलेजद्रो मुरिएटा, जिसे अब डॉन एलेजद्रो डी ला वेगा के नाम से जाना जाता है, मतपंत्रों को चुराने की साजिश को विफल करता है, लेकिन जैकब मैंग्विनेस नामक एक बंदूकधारी के साथ लड़ाई के दौरान वह संक्षेप में अपना मुखौटा खो देता है। पिंकर्टन एजेंट की एक जोड़ उसका चेहरा देखती है और उसे पहचान लेती है। अगले दिन एजेंट एलेजेंद्रो की पत्नी एलेना का सामना करते हैं और उसे तलाक देने के लिए ब्लैकमेल करते हैं। 3 महीने बाद एलेना और उनके बेटे जैकोन से अलगाव और यह भावना कि लोगों को जब जोरी की ज़रूरत नहीं है अलेक्जेंड्रा पर अपना असर डाल रहे हैं। उनके बचपन के अभिभावक फादर फिलिप उनके फ्रेंच काउंट आर्म्ड के नए अंगूर के बाग में एक पार्टी में भाग लेने के लिए मना लेते हैं। वहाँ अलेक्जेंड्रा को पता चलता है कि एलेना काउंट को डेट कर रही है, जो उसके यूरोप में बताए समय की प्रशंसा है। पार्टी छोड़ने के बाद अलेजेंद्रो आर्म्ड की हवेली के पास एक बड़ा विस्फोट दिखता है और उस पर शक करता है। मैंग्विस अलेक्जेंद्रो के मित्र गिलोर्मी कोर्टेंज के परिवार पर हमला का नेतृत्व करता है ताकि उनकी भूमि का विलेख जब्त किया जा सके। अपना मुखौटा फिर से दान करते हुए जोरो गिलमोरो की पत्नी और बेटे को बचाने में सफल होता है, लेकिन गिलोर्मो और विलेख को बचाने में विफल रहता है। जोरो मैकगिविंस को आर्म की हवेली तक ले जाता है और पता चलता है कि आर्म कोर्टेज की भूमि पर एक रेल मार्ग बनाने की योजना बना रहा है। वह एलेना का भी सामना करता है और आगामी शिपमेंट के बारे में सीखते हुए वह मैकगिविंस को एक को में ट्रैक करता है और जहां मार्गों की वितरण किया जाता है। उससे अनजान जोकिन ने मैकगिविन की गाड़ी पर एक सवारी भी रोक दी। एक क्लास फील्ड ट्रिप से बाहर हो गया। जोरो अपने बेटे को डाकुओं से बचाता है और शिपमेंट की जांच करते हुए वह उस माल का एक टुकड़ा देखता है, साबुन की एक पट्टी और ओब्रिस यूनम वाक्यास, जिसका अर्थ है वन वर्ल्ड एक टोकरा ढक्कन पर लैटिन में वाक्यास पर शोध करने पर फिल्प और अलेक्जेंड्रो को पता चलता है कि आर्म्ड एक गुप्त समाज का मुखिया है। सूरवीर के कार ऑर्गन जो गुप्त रूप से यूरोप पर शासन कर रहा है। संयुक्त राज्य अमेरिका को सूरवीर के लिए खतरा माना जाता है, इसलिए वे बहुत अधिक शक्ति हासिल करने से पहले देश को अराजकता में फेंकने की योजना बना रहे हैं। तो फ्रेंड्स, आगे की स्टोरी जानने के लिए आपको द लेजेंड ऑफ ज़ोरो मूवी को देखना होगा। तो ये 2005 की एक्शन एडवेंचर मूवी है जिसका लेंथ 2 hours 10 minutes है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं और बुरी लग रही है तो आप इस वीडियो को डिसलाइक कर सकते हैं। और अभी तक आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर सकते हैं और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस कर ऑल को सेलेक्ट कर सकते हैं, जिससे हमारे आने वाली हर एक नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे और आप हमारे चैनल से जुड़े रहें। और फ्रेंड्स, आप हमारे वीडियो में बने रहें और हमारे वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। हे फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं द लेजेंड ऑफ ज़ोरो मूवी के बारे में। तो फ्रेंड्स, इस मूवी के IMDb रेटिंग के बारे में बात करें तो फ्रेंड्स, इस मूवी को IMDb ने 5.9 out of 10 रेटिंग दिया है और इसे वूडू ने 4.2 out of 5 रेटिंग दिया है और इसे 82% गूगल यूजर्स ने भी लाइक किया है। तो फ्रेंड्स, द लेजेंड ऑफ ज़ोरो
ये 2005 की अमेरिकन वेस्टर्न वॉश बल्कर फिल्म है जिसे डायरेक्ट किए हैं मार्टिन कैंपबेल और स्क्रीन प्ले दी है रॉबर्टो ओरिक एलेक्स कुर्ट्ज़मैन और इसमें भी स्टोरी दी है रॉबर्ट ओरिक एलेक्स कुर्ट्ज़मैन टेड इलियोट टेरी रोसियो और ये मूवी बेस्ड है जोरो जो कि जॉनस्टोन एमसी क्यूली की है और इस मूवी को प्रोड्यूस किए वॉल्टर एफ फारेक्स ल्यूरी मैकडोनाल्ड लेल्यूड फिलिप्स और इस मूवी के स्टारिंग है एंटोनी बैंडरेस कैथरीन जेट जोन्स रूफ्यूस सीवेल निक चिनलॉन्ड और इस मूवी को सिनेमाटोग्राफी की है फिल मी हुक्स और इस मूवी को एडिट किए स्टुअर्ट बैरिट और इस मूवी में म्यूजिक दिए हैं जेम्स हॉर्नर और इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनीज है कोलंबिया पिक्चर्स एम्बलिन इंटरटेनमेंट स्पाई ग्लास इंटरटेनमेंट पार्क्स मैकडोनाल्ड प्रोडक्शंस और इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट की है सोनी पिक्चर्स रिलीजिंग और ये 28 अक्टूबर 2005 को रिलीज हुई और इसका रनिंग टाइम रहा 130 मिनट्स और ये यूनाइटेड स्टेट्स की मूवी है जो कि इंग्लिश और स्पेनिश लैंग्वेज में बनी है और इसका बजट $65 मिलियन रहा और इसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन $142.4 मिलियन रहा। तो फ्रेंड्स इस मूवी के कास्ट के बारे में बात करें तो फ्रेंड्स हम इस मूवी में एंटोनी बैंडरीज एज डॉन एलेजेंड्रो डी ला वेगा जोरू के रोल में नजर आए और कैथरीन जेटा जोन्स एस एलिना डी ला वेगा के रोल में और रूफूस सीवेल एस काउंट आर्मैंड के रोल में और निक चिनलॉन्ड एस जैकोब मैकगिविंस के रोल में और एड्रिन अलोंसो एस जोक्विन डी ला वेगा के रोल में और जूलिया ऑस्कर मैकेनोस एस पेड्री फेलिप के रोल में और शूलर हैंसली एस पाइक के रोल में और माइकल इमर्सन एस हैरीगेन के रोल में और लियो बर्मेस्टर एस कॉलिन ब्यूगार्ड के रोल में और टोनी एमेंडोला एस पैट्रिक क्विंटीरो के रोल में और पीट्रो एरमेंड्रेस जेयर एस गोवर्नो रिली के रोल में और गियोवाना जैक्रिस एस ब्लेस कॉर्टेज के रोल में और रॉल मैंडेज एस फेरुक के रोल में और अल्बर्टो रियास एट पैड्री इगैनिको के रोल में। तो फ्रेंड्स आपको ये वीडियो कैसी लग रही है? अगर अच्छी लग रही है तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं और बुरी लग रही है तो डिसलाइक कर सकते हैं। तो चलिए इस मूवी का स्टोरी जानते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मैं आपको इस मूवी का टोटल स्टोरी नहीं बताने वाला हूं। तो फ्रेंड्स 1850 में पहली फिल्म की घटनाओं के 9 साल बाद कैलिफोर्निया इस बात पर मतदान कर रहा है कि क्या संयुक्त राज्य अमेरिका को एक राज्य के रूप में शामिल किया जाए। एलेजेंद्रो मुरिएटा जिसे अब डॉन एलेजेंद्रो डी ला वेगा के नाम से जाना जाता है मतपंत्रों को चुराने की साजिश को विफल करता है लेकिन जैकब मैंगविनेस नामक एक बंदूकधारी के साथ लड़ाई के दौरान वह संक्षेप में अपना मुखौटा खो देता है। पिंकर्टन एजेंट की एक जोड़ उसका चेहरा देखती है और उसे पहचान लेती है। अगले दिन एजेंट एलेजेंद्रो की पत्नी एलेना का सामना करते हैं और उसे तलाक देने के लिए ब्लैकमेल करते हैं। 3 महीने बाद एलेना और उनके बेटे जैकोन से अलगाव और यह भावना कि लोगों को जब जोरी की ज़रूरत नहीं है एलेक्जेंड्रा पर अपना असर डाल रहे हैं। उनके बचपन के अभिभावक फादर फिलिप उनके फ्रेंच काउंट आर्म्ड के नए अंगूर के बाग में एक पार्टी में भाग लेने के लिए मना लेते हैं। वहाँ एलेक्जेंड्रा को पता चलता है कि एलेना काउंट को डेट कर रही है जो उसके यूरोप में बताए समय की प्रशंसा है। पार्टी छोड़ने के बाद एलेजेंद्रो आर्म्ड की हवेली के पास एक बड़ा विस्फोट दिखता है और उस पर शक करता है। मैंगविस एलेजेंद्रो के मित्र गिलोर्मी कोर्टेंज के परिवार पर हमला का नेतृत्व करता है ताकि उनकी भूमि का विलेख जब्त किया जा सके। अपना मुखौटा फिर से दान करते हुए जोरो गिलमोरो की पत्नी और बेटे को बचाने में सफल होता है लेकिन गिलोर्मो और विलेख को बचाने में विफल रहता है। जोरो मैकगिविंस को आर्म की हवेली तक ले जाता है और पता चलता है कि आर्म कोटेज की भूमि पर एक रेल मार्ग बनाने की योजना बना रहा है। वह एलेना का भी सामना करता है और आगामी शिपमेंट के बारे में सीखते हुए वह मैकगिविंस को में ट्रैक करता है और जहां मार्गों की वितरात किया जाता है उससे अनजान जोकिन ने मैकगिविन की गाड़ी पर एक सवारी भी रोक दी। एक क्लास
फील्ड ट्रिप से बाहर हो गया। जोरो अपने बेटे को डाकुओं से बचाता है और शिपमेंट की जांच करते हुए वह उस माल का एक टुकड़ा देखता है, साबुन की एक पट्टी और ओब्रिस यूनम वाक्यास जिसका अर्थ है वन वर्ल्ड एक टोकरा ढक्कन पर लैटिन में वाक्यास पर शोध करने पर फिल्प और अलेक्जेंड्रो को पता चलता है कि आर्म्ड एक गुप्त समाज का मुखिया है। सूरवीर के कार ऑर्गन जो गुप्त रूप से यूरोप पर शासन कर रहा है, संयुक्त राज्य अमेरिका को सूरवीर के लिए खतरा माना जाता है, इसलिए वे बहुत अधिक शक्ति हासिल करने से पहले देश को अराजकता में फेंकने की योजना बना रहे हैं। तो फ्रेंड्स, आगे की स्टोरी जानने के लिए आपको द लेजेंड ऑफ ज़ोरो मूवी को देखना होगा। तो ये 2005 की एक्शन एडवेंचर मूवी है जिसका लेंथ 2 hours 10 minutes है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही हो तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, और बुरी लग रही हो तो आप इस वीडियो को डिसलाइक कर सकते हैं। और अभी तक आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर सकते हैं, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस कर ऑल को सेलेक्ट कर सकते हैं, जिससे हमारे आने वाली हर एक नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे और आप हमारे चैनल से जुड़े रहें। और फ्रेंड्स, आप हमारे वीडियो में बने रहें और हमारे वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। हे फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं द लेजेंड ऑफ ज़ोरो मूवी के बारे में। तो फ्रेंड्स, इस मूवी के IMDb रेटिंग के बारे में बात करें तो फ्रेंड्स, इस मूवी को IMDb ने 5.9 out of 10 रेटिंग दिया है, और इसे वूडू ने 4.2 out of 5 रेटिंग दिया है, और इसे 82% गूगल यूजर्स ने भी लाइक किया है। तो फ्रेंड्स, द लेजेंड ऑफ ज़ोरो ये 2005 की अमेरिकन वेस्टर्न वॉस बुल्कर फिल्म है, जिसे डायरेक्ट किए मार्टिन कैंपबेल और स्क्रीन प्ले दिए रॉबर्टो ओरिक, एलेक्स कुर्ट्ज़मैन, और इसमें भी स्टोरी दी है रॉबर्ट और एलेक्स कुर्ट्ज़मैन, टेड इलियोट, टेरी रोसियो, और ये मूवी बेस्ड है ज़ोरो, जो कि जॉनस्टोन एमसी क्यूली की है, और इसमें भी को प्रोड्यूस किए वॉल्टर एफ फारेक्स, ल्यूरी मैकडोनाल्ड, लेल्यूड फिलिप्स, और इसमें भी स्टारिंग है एंटोनी बैंड्रेस, कैथरीन जेट जोन्स, रूफ्यूस सीवेल, निक चिनलॉन्ड, और इस मूवी को सिनेमाटोग्राफी की है फिल मी हुक्स, और इस मूवी को एडिट किए स्टुअर्ट बैरिट, और इस मूवी में म्यूजिक दिए हैं जेम्स हॉर्नर, और इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी से कोलंबिया पिक्चर्स, एम्बलिन इंटरटेनमेंट, स्पाई ग्लास इंटरटेनमेंट, पार्क्स मैकडोनाल्ड प्रोडक्शंस, और इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट की है सोनी पिक्चर्स रिलीजिंग, और ये 28 अक्टूबर 2005 को रिलीज हुई, और इसका रनिंग टाइम रहा 130 minutes, और ये यूनाइटेड स्टेट्स की मूवी है जो कि इंग्लिश और स्पेनिश लैंग्वेज में बनी है, और इसका बजट $65 million रहा, और इसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन $142.4 million रहा। तो फ्रेंड्स, इस मूवी के कास्ट के बारे में बात करें तो फ्रेंड्स, हम इस मूवी में एंटोनी बैंड्रीज एज डॉन अलेजेंड्रो डी ला वेगा ज़ोरो के रोल में नजर आए, और कैथरीन जेटा जोन्स एस एलिना डी ला वेगा के रोल में, और रूफूस सीवेल एस काउंट आर्मैन के रोल में, और निक चिनलॉन्ड एस जैकोब मैकगिविन्स के रोल में, और एड्रिन अलोंसो एस जोक्विन डी ला वेगा के रोल में, और जूलिया ऑस्कर मैकेनोस एस पेड्री फेलिप के रोल में, और शूलर हैंसली एस पाइक के रोल में, और माइकल इमर्सन एस हैरिगेन के रोल में, और लियो बर्मेस्टर एस कॉलिन ब्यूगार्ड के रोल में, और टोनी एमेंडोला एस पैट्रिक क्विंटीरो के रोल में, और पीट्रो एरमेंड्रेस जेयर एस गोवर्नो रिली के रोल में, और गियोवाना जैक्रिस एस ब्लेस कॉर्टेस के रोल में, और रॉल मैंडेज एस फेरुक के रोल में, और अल्बर्टो रियास एस पैट्रिक इगानिको के रोल में। तो फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो कैसी लग रही है? अगर अच्छी लग रही है तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, और बुरी लग रही है तो डिसलाइक कर सकते हैं। तो चलिए इस मूवी का स्टोरी जानते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मैं आपको इस मूवी का टोटल स्टोरी नहीं बताने वाला हूं। तो फ्रेंड्स, 1850 में पहली फिल्म की घटनाओं के 9 साल बाद कैलिफोर्निया इस बात पर मतदान कर रहा है कि क्या संयुक्त राज्य अमेरिका को एक राज्य के रूप में शामिल किया जाए। अलेजेंद्रो मुरिएटा, जिसे अब डॉन अलेजेंद्रो डी ला वेगा के नाम से जाना जाता है, मतपंत्रों को चुराने की साजिश को विफल करता है, लेकिन जैकब मैंगविनेस नामक एक बंदूकधारी के साथ लड़ाई के दौरान वह संक्षेप में अपना मुखौटा खो देता है। पिंकर्टन एजेंट की
एक जोड़ उसका चेहरा देखती है और उसे पहचान लेती है। अगले दिन एजेंट एलेजेंद्रो की पत्नी एलेना का सामना करते हैं और उसे तलाक देने के लिए ब्लैकमेल करते हैं। 3 महीने बाद एलेना और उनके बेटे जैकोन से अलगाव और यह भावना कि लोगों को जब जोरी जोरी की ज़रूरत नहीं है एलेक्जेंड्रा पर अपना असर डाल रहे हैं। उनके बचपन के अभिभावक फादर फेलिप उनके फ्रेंच काउंट आर्म्ड के नए अंगूर के बाग में एक पार्टी में भाग लेने के लिए मना लेते हैं। वहाँ एलेक्जेंड्रा को पता चलता है कि एलेना काउंट को डेट कर रही है जो उसके यूरोप में बताए समय की प्रशंसा है। पार्टी छोड़ने के बाद एलेजेंद्रो आर्म्ड की हवेली के पास एक बड़ा विस्फोट दिखता है और उस पर शक करता है। मैंग्विस एलेजेंद्रो के मित्र गिलोर्मी कोर्टेंज के परिवार पर हमला का नेतृत्व करता है ताकि उनकी भूमि का विलेख जब्त किया जा सके। अपना मुखौटा फिर से दान करते हुए जोरो गिलमोरो की पत्नी और बेटे को बचाने में सफल होता है, लेकिन गिलोर्मो और विलेख को बचाने में विफल रहता है। जोरो मैकगिविंस को आर्म की हवेली तक ले जाता है और पता चलता है कि आर्म कोटेज की भूमि पर एक रेलमार्ग बनाने की योजना बना रहा है। वह एलेना का भी सामना करता है और आगामी शिपमेंट के बारे में सीखते हुए वह मैकगिविंस को एक को में ट्रैक करता है और जहां मार्गों की वितरण किया जाता है उससे अनजान जोकिन ने मैकगिविन की गाड़ी पर एक सवारी भी रोक दी। एक क्लास फील्ड ट्रिप से बाहर हो गया। जोरो अपने बेटे को डाकुओं से बचाता है और शिपमेंट की जांच करते हुए वह उस माल का एक टुकड़ा देखता है। साबुन की एक पट्टी और ओब्रिस यूनम वाक्यास जिसका अर्थ है वन वर्ल्ड एक टोकरा ढक्कन पर लैटिन में वाक्यास पर शोध करने पर फिल्प और एलेक्जेंड्रो को पता चलता है कि आर्म्ड एक गुप्त समाज का मुखिया है। सूरवीर के कार ऑर्गन जो गुप्त रूप से यूरोप पर शासन कर रहा है। संयुक्त राज्य अमेरिका को सूरवीर के लिए खतरा माना जाता है, इसलिए वे बहुत अधिक शक्ति हासिल करने से पहले देश को अराजकता में फेंकने की योजना बना रहे हैं। तो फ्रेंड्स, आगे की स्टोरी जानने के लिए आपको द लेजेंड ऑफ जोरो मूवी को देखना होगा। तो ये 2005 की एक्शन एडवेंचर मूवी है जिसका लेंथ 2 आवर 10 मिनट है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं और बुरी लग रही है तो आप इस वीडियो को डिसलाइक कर सकते हैं। और अभी तक आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर सकते हैं और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस कर ऑल को सेलेक्ट कर सकते हैं जिससे हमारे आने वाली हर एक नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे और आप हमारे चैनल से जुड़े रहे। और फ्रेंड्स, आप हमारे वीडियो में बने रहे और हमारे वीडियो को अंत तक जरूर देखें। हे फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं द लेजेंड ऑफ जोरो मूवी के बारे में। तो फ्रेंड्स, इस मूवी के IMDb रेटिंग के बारे में बात करें तो फ्रेंड्स, इस मूवी को IMDb ने 5.9 आउट ऑफ 10 रेटिंग दिया है और इसे वूडू ने 4.2 आउट ऑफ 5 रेटिंग दिया है और इसे 82% गूगल यूजर्स ने भी लाइक किया है। तो फ्रेंड्स, द लेजेंड ऑफ जोरो ये 2005 की अमेरिकन वेस्टर्न वॉश बल्कर फिल्म है जिसे डायरेक्ट किए हैं मार्टिन कैंपबेल और स्क्रीन प्ले दिए रॉबर्टो ओरिक एलेक्स कुर्ट्ज़मैन और इसमें भी स्टोरी दी है रॉबर्ट और एलेक्स कुर्ट्ज़मैन टेड इलियोट टेरी रोसियो और यह मूवी बेस्ड है जोरो जो कि जॉनस्टोन एमसी क्यूली की है और इस मूवी को प्रोड्यूस किए वॉल्टर एफ फारेक्स ल्यूरी मैकडोनाल्ड लेल्यूड फिलिप्स और इस मूवी के स्टारिंग है एंटोनी बैंडरेस कैथरीन जेट जोन्स रूफ्यूस सीवेल निक चिनलॉन्ड और इस मूवी को सिनेमाटोग्राफी की है फिल मी हुक्स और इस मूवी को एडिट किए हैं स्टुअर्ट बैरिट और इस मूवी में म्यूजिक दिए हैं जेम्स हॉर्नर और इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनीज है कोलंबिया पिक्चर्स एम्बलिन इंटरटेनमेंट स्पाई ग्लास इंटरटेनमेंट पार्क्स मैकडोनाल्ड प्रोडक्शंस और इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट की है सोनी पिक्चर्स रिलीजिंग और ये 28 अक्टूबर 2005 को रिलीज हुई और इसका रनिंग टाइम रहा 130 मिनट्स और ये यूनाइटेड स्टेट्स की मूवी है जो कि इंग्लिश और स्पेनिश लैंग्वेज में बनी है और इसका बजट $65 मिलियन रहा और इसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन $142.4 मिलियन रहा। तो फ्रेंड्स, इस मूवी के कास्ट के बारे में बात करें तो फ्रेंड्स, हम इस मूवी में एंटोनी बैंडरीज एज डॉन एलेजेंड्रो डी ला वेगा
जोरो के रोल में नजर आए, और कैथरीन जेटा जोन्स एस एलिना डी ला वेगा के रोल में, और रूफूस सीवेल एस काउंट आर्मैंड के रोल में, और निक चिनलॉन्ड एस जैकोब मैकगिविंस के रोल में, और एड्रिन एलोंसो एस जोक्विन डी ला वेगा के रोल में, और जूलियो ऑस्कर मैकेनोस एस पेड्री फेलिप के रोल में, और शूलर हैंसली एस पाइक के रोल में, और माइकल इमर्सन एस हैरीगेन के रोल में, और लियो बर्मेस्टर एस कॉलिन ब्यूगार्ड के रोल में, और टोनी एमेंडोला एस पैट्रिक क्विंटीरो के रोल में, और पीड्रो एरमेंड्रेस जेयर एस गोवर्नो रिली के रोल में, और गियोवाना जैक्रिस एस ब्लेस कॉर्टेस के रोल में, और रॉल मैंडेज एस फेरुक के रोल में, और अल्बर्टो रियास एस पैड्री इगैनिको के रोल में। तो फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो कैसी लग रही है? अगर अच्छी लग रही है तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, और बुरी लग रही है तो डिसलाइक कर सकते हैं। तो चलिए इस मूवी का स्टोरी जानते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मैं आपको इस मूवी का टोटल स्टोरी नहीं बताने वाला हूं। तो फ्रेंड्स, 1850 में पहली फिल्म की घटनाओं के 9 साल बाद कैलिफोर्निया इस बात पर मतदान कर रहा है कि क्या संयुक्त राज्य अमेरिका को एक राज्य के रूप में शामिल किया जाए। एलेजद्रो मुरिएटा, जिसे अब डॉन एलेजद्रो डी ला वेगा के नाम से जाना जाता है, मतपंत्रों को चुराने की साजिश को विफल करता है, लेकिन जैकब मैंगविनेस नामक एक बंदूकधारी के साथ लड़ाई के दौरान वह संक्षेप में अपना मुखौटा खो देता है। पिंकर्टन एजेंट की एक जोड़ उसका चेहरा देखती है और उसे पहचान लेती है। अगले दिन एजेंट एलेजेंद्रो की पत्नी एलेना का सामना करते हैं और उसे तलाक देने के लिए ब्लैकमेल करते हैं। 3 महीने बाद एलेना और उनके बेटे जैकोन से अलगाव, और यह भावना कि लोगों को जब जोरी की ज़रूरत नहीं है, अलेक्जेंड्रा पर अपना असर डाल रहे हैं। उनके बचपन के अभिभावक फादर फिलिप उनके फ्रेंच काउंट आर्म्ड के नए अंगूर के बाग में एक पार्टी में भाग लेने के लिए मना लेते हैं। वहाँ अलेक्जेंड्रा को पता चलता है कि एलेना काउंट को डेट कर रही है, जो उसके यूरोप में बताए समय की प्रशंसा है। पार्टी छोड़ने के बाद एलेजेंद्रो आर्म्ड की हवेली के पास एक बड़ा विस्फोट दिखता है और उस पर शक करता है। मैंगविस एलेजेंद्रो के मित्र गिलोर्मी कोर्टेंज के परिवार पर हमला का नेतृत्व करता है ताकि उनकी भूमि का विलेख जब्त किया जा सके। अपना मुखौटा फिर से दान करते हुए जोरो गिलमोरो की पत्नी और बेटे को बचाने में सफल होता है, लेकिन गिलोर्मो और विलेक को बचाने में विफल रहता है। जोरो मैकगिविंस को आर्म की हवेली तक ले जाता है और पता चलता है कि आर्म कोर्टेज की भूमि पर एक रेलमार्ग बनाने की योजना बना रहा है। वह एलेना का भी सामना करता है और आगामी सीपमेंट के बारे में सीखते हुए वह मैकगिविंस को एक को में ट्रैक करता है, और जहां मार्गों की वितरात किया जाता है, उससे अनजान जोकिन ने मैकगिविन की गाड़ी पर एक सवारी भी रोक दी। एक क्लास फील्ड ट्रिप से बाहर हो गया। जोरो अपने बेटे को डाकुओं से बचाता है और सीपमेंट की जांच करते हुए वह उस माल का एक टुकड़ा देखता है, साबुन की एक पट्टी और ओब्रिस यूनम वाक्यास, जिसका अर्थ है वन वर्ल्ड, एक टोकरा ढक्कन पर लैटिन में। वाक्यास पर शोध करने पर फिल्प और एलेक्जेंड्रो को पता चलता है कि आर्म्ड एक गुप्त समाज का मुखिया है, सुरवीर के कार ऑर्गन, जो गुप्त रूप से यूरोप पर शासन कर रहा है। संयुक्त राज्य अमेरिका को सुरवीर के लिए खतरा माना जाता है, इसलिए वे बहुत अधिक शक्ति हासिल करने से पहले देश को अराजकता में फेंकने की योजना बना रहे हैं। तो फ्रेंड्स, आगे की स्टोरी जानने के लिए आपको द लेजेंड ऑफ जोरो मूवी को देखना होगा। तो ये 2005 की एक्शन एडवेंचर मूवी है, जिसका लेंथ 2 आवर 10 मिनट है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, और बुरी लग रही है तो आप इस वीडियो को डिसलाइक कर सकते हैं। और अभी तक आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर सकते हैं, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस कर ऑल को सेलेक्ट कर सकते हैं, जिससे हमारे आने वाली हर एक नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे और आप हमारे चैनल से जुड़े रहें। और फ्रेंड्स, आप हमारे वीडियो में बने रहें और हमारे वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें।
हे फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं द लेजेंड ऑफ ज़ोरो मूवी के बारे में। तो फ्रेंड्स, इस मूवी के आईएमडीबी रेटिंग के बारे में बात करें तो फ्रेंड्स, इस मूवी को आईएमडीबी ने 5.9 आउट ऑफ 10 रेटिंग दिया है और इसे वूडू ने 4.2 आउट ऑफ 5 रेटिंग दिया है और इसे 82% गूगल यूजर्स ने भी लाइक किया है। तो फ्रेंड्स, द लेजेंड ऑफ ज़ोरो ये 2005 की अमेरिकन वेस्टर्न वॉस बल्कर फिल्म है जिसे डायरेक्ट किए हैं मार्टिन कैंपबेल और स्क्रीन प्ले दी है रॉबर्टो ओरिक, एलेक्स कुर्ट्ज़मैन और इसमें भी स्टोरी दी है रॉबर्ट ओरिक, एलेक्स कुर्ट्ज़मैन, टेड इलियट, टेरी रोसियो और ये मूवी बेस्ड है ज़ोरो जो कि जॉनस्टोन एमसी क्यूली की है और इस मूवी को प्रोड्यूस किए वॉल्टर एफ फारेक्स, ल्यूरी मैकडोनाल्ड, लेल्यूड फिलिप्स और इस मूवी के स्टारिंग है एंटोनी बैंडरेस, कैथरीन जेट जोन्स, रूफ्यूस सीवेल, निक चिनलॉन्ड और इस मूवी को सिनेमाटोग्राफी की है फिल मी हुक्स और इस मूवी को एडिट की है स्टुअर्ट बैरिट और इस मूवी में म्यूजिक दिए हैं जेम्स हॉर्नर और इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनीज है कोलंबिया पिक्चर्स, एम्बलिन इंटरटेनमेंट, स्पाई ग्लास इंटरटेनमेंट, पार्क्स मैकडोनाल्ड प्रोडक्शंस और इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट की है सोनी पिक्चर्स रिलीजिंग और ये 28 अक्टूबर 2005 को रिलीज हुई और इसका रनिंग टाइम रहा 130 मिनट्स और ये यूनाइटेड स्टेट्स की मूवी है जो कि इंग्लिश और स्पेनिश लैंग्वेज में बनी है और इसका बजट $65 मिलियन रहा और इसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन $142.4 मिलियन रहा। तो फ्रेंड्स, इस मूवी के कास्ट के बारे में बात करें तो फ्रेंड्स, हम इस मूवी में एंटोनी बैंडरीज एज डॉन एलेजेंड्रो डी ला वेगा ज़ोरो के रोल में नजर आए और कैथरीन जेटा जोन्स एस एलिना डी ला वेगा के रोल में और रूफूस सीवेल एस काउंट आर्मैंड के रोल में और निक चिनलॉन्ड एस जैकोब मैकगिविन्स के रोल में और एड्रिन अलोंसो एस जोक्विन डी ला वेगा के रोल में और जूलिया ऑस्कर मैकेनोस एस पेड्री फेलिप के रोल में और शूलर हैंसली एस पाइक के रोल में और माइकल इमर्सन एस हैरिगेन के रोल में और लियो बर्मेस्टर एस कॉलिन ब्यूगार्ड के रोल में और टोनी एमेंडोला एस पैड्रिक क्विंटीरो के रोल में और पीड्रो एरमेंड्रेस जेयर एस गोवर्नो रिली के रोल में और गियोवाना जैक्रिस एस ब्लेस कॉर्टेज के रोल में और रॉल मैंडेज एस फेरुक के रोल में और अल्बर्टो रियास एस पैड्री इगैनिको के रोल में। तो फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो कैसी लग रही है? अगर अच्छी लग रही है तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं और बुरी लग रही है तो डिसलाइक कर सकते हैं। तो चलिए इस मूवी का स्टोरी जानते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मैं आपको इस मूवी का टोटल स्टोरी नहीं बताने वाला हूं। तो फ्रेंड्स, 1850 में पहली फिल्म की घटनाओं के 9 साल बाद कैलिफोर्निया इस बात पर मतदान कर रहा है कि क्या संयुक्त राज्य अमेरिका को एक राज्य के रूप में शामिल किया जाए। एलेजेंद्रो मुरिएटा, जिसे अब डॉन एलेजेंद्रो डी ला वेगा के नाम से जाना जाता है, मतपंत्रों को चुराने की साजिश को विफल करता है, लेकिन जैकब मैंगविनेस नामक एक बंदूकधारी के साथ लड़ाई के दौरान वह संक्षेप में अपना मुखौटा खो देता है। पिंकर्टन एजेंट की एक जोड़ उसका चेहरा देखती है और उसे पहचान लेती है। अगले दिन एजेंट एलेजेंद्रो की पत्नी एलेना का सामना करते हैं और उसे तलाक देने के लिए ब्लैकमेल करते हैं। 3 महीने बाद एलेना और उनके बेटे जैकोन से अलगाव और यह भावना कि लोगों को जब जोरी की ज़रूरत नहीं है अलेक्जेंड्रा पर अपना असर डाल रहे हैं। उनके बचपन के अभिभावक फादर फिलिप उनके फ्रेंच काउंट आर्म्ड के नए अंगूर के बाग में एक पार्टी में भाग लेने के लिए मना लेते हैं। वहाँ अलेक्जेंड्रा को पता चलता है कि एलेना काउंट को डेट कर रही है जो उसके यूरोप में बताए समय की प्रशंसा है। पार्टी छोड़ने के बाद एलेजेंद्रो आर्म की हवेली के पास एक बड़ा विस्फोट दिखता है और उस पर शक करता है। मैंगविस एलेजेंद्रो के मित्र गिलोर्मी कोर्टेंज के परिवार पर हमला का नेतृत्व करता है ताकि उनकी भूमि का विलेख जब्त किया जा सके। अपना मुखौटा फिर से दान करते हुए ज़ोरो गिलमोरो की पत्नी और बेटे को बचाने में सफल होता है, लेकिन गिलोर्मो और विलेख को बचाने में विफल रहता है। ज़ोरो मैकगिविन्स को आर्म की हवेली तक ले जाता है और पता चलता है कि आर्म कोर्टेज की भूमि पर एक रेलमार्ग बनाने की योजना बना रहा है।
वह एलेना का भी सामना करता है और आगामी शिपमेंट के बारे में सीखते हुए वह मैकग्विंस को एक को में ट्रैक करता है और जहां मार्गों की वितरित किया जाता है उससे अनजान जोकिन ने मैकग्विन की गाड़ी पर एक सवारी भी रोक दी। एक क्लास फील्ड ट्रिप से बाहर हो गया। जोरो अपने बेटे को डाकुओं से बचाता है और शिपमेंट की जांच करते हुए वह उस माल का एक टुकड़ा देखता है, साबुन की एक पट्टी और ओब्रिस यूनम वाक्यास जिसका अर्थ है वन वर्ल्ड एक टोकरा ढक्कन पर लैटिन में वाक्यास पर शोध करने पर फिल्प और एलेक्जेंड्रो को पता चलता है कि आर्म्ड एक गुप्त समाज का मुखिया है। सुरवीर के कार ऑर्गन जो गुप्त रूप से यूरोप पर शासन कर रहा है। संयुक्त राज्य अमेरिका को सुरवीर के लिए खतरा माना जाता है, इसलिए वे बहुत अधिक शक्ति हासिल करने से पहले देश को अराजकता में फेंकने की योजना बना रहे हैं। तो फ्रेंड्स, आगे की स्टोरी जानने के लिए आपको द लेजेंड ऑफ ज़ोरो मूवी को देखना होगा। तो ये 2005 की एक्शन एडवेंचर मूवी है जिसका लेंथ 2 आवर 10 मिनट है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं और बुरी लग रही है तो आप इस वीडियो को डिसलाइक कर सकते हैं। और अभी तक आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर सकते हैं और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस कर ऑल को सेलेक्ट कर सकते हैं जिससे हमारे आने वाली हर एक नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे और आप हमारे चैनल से जुड़े रहें। और फ्रेंड्स, आप हमारे वीडियो में बने रहें और हमारे वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। हे फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं द लेजेंड ऑफ ज़ोरो मूवी के बारे में। तो फ्रेंड्स, इस मूवी के आईएमडीबी रेटिंग के बारे में बात करें तो फ्रेंड्स, इस मूवी को आईएमडीबी ने 5.9 आउट ऑफ 10 रेटिंग दिया है और इसे वूडू ने 4.2 आउट ऑफ 5 रेटिंग दिया है और इसे 82% गूगल यूजर्स ने भी लाइक किया है। तो फ्रेंड्स, द लेजेंड ऑफ ज़ोरो ये 2005 की अमेरिकन वेस्टर्न वॉस बल्कर फिल्म है जिसे डायरेक्ट किए मार्टिन कैंपबेल और स्क्रीन प्ले दिए रॉबर्टो ओरिक, एलेक्स कुर्ट्ज़मैन और इसमें भी स्टोरी दी है रॉबर्ट और एलेक्स कुर्ट्ज़मैन, टेड इलियोट, टेरी रोसियो और ये मूवी बेस्ड है ज़ोरो जो कि जॉनस्टोन एमसी क्यूली की है और इस मूवी को प्रोड्यूस किए वॉल्टर एफ फारेक्स, ल्यूरी मैकडोनाल्ड, लेल्यूड फिलिप्स और इस मूवी के स्टारिंग है एंटोनी बैंडरेस, कैथरीन जेट जोन्स, रूफ्यूस सीवेल, निक चिनलॉन्ड और इस मूवी को सिनेमाटोग्राफी की है फिल मी हुक्स और इस मूवी को एडिट किए स्टुअर्ट बैरिट और इस मूवी में म्यूजिक दिए जेम्स हॉर्नर और इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी से कोलंबिया पिक्चर्स, एम्बलिन इंटरटेनमेंट, स्पाई ग्लास इंटरटेनमेंट, पार्क्स मैकडोनाल्ड प्रोडक्शंस और इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट की है सोनी पिक्चर्स रिलीजिंग और ये 28 अक्टूबर 2005 को रिलीज हुई और इसका रनिंग टाइम रहा 130 मिनट्स और ये यूनाइटेड स्टेट्स की मूवी है जो कि इंग्लिश और स्पेनिश लैंग्वेज में बनी है और इसका बजट $65 मिलियन रहा और इसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन $142.4 मिलियन रहा। तो फ्रेंड्स, इस मूवी के कास्ट के बारे में बात करें तो फ्रेंड्स, हम इस मूवी में एंटोनी बैंडरीज एज डॉन एलेजेंड्रो डी ला वेगा ज़ोरो के रोल में नजर आए और कैथरीन जेटा जोन्स एस एलिना डी ला वेगा के रोल में और रूफूस सीवेल एस काउंट आर्मैंड के रोल में और निक चिनलॉन्ड एस जैकोब मैकगिविन्स के रोल में और एड्रिन अलोंसो एस जोक्विन डी ला वेगा के रोल में और जूलिया ऑस्कर मैकेनोस एस पेड्री फेलिप के रोल में और शूलर हैंसली एस पाइक के रोल में और माइकल इमर्सन एस हैरिगेन के रोल में और लियो बर्मेस्टर एस कॉलिन ब्यूगार्ड के रोल में और टोनी एमेंडोला एस पैट्रिक क्विंटीरो के रोल में और पीट्रो एरमेंड्रेस जेयर एस गोवर्नो रिली के रोल में और गियोवाना जैक्रिस एस ब्लेस कॉर्टेज के रोल में और रॉल मैंडेज एस फेरुक के रोल में और अल्बर्टो रियास एस पैट्री इगैनिको के रोल में। तो फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो कैसी लग रही है? अगर अच्छी लग रही है तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं और बुरी लग रही है तो डिसलाइक कर सकते हैं। तो चलिए इस मूवी का स्टोरी जानते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मैं आपको इस मूवी का टोटल स्टोरी नहीं बताने वाला हूं। तो फ्रेंड्स, 1850 में पहली फिल्म की घटनाओं के 9 साल बाद कैलिफोर्निया इस बात पर मतदान कर रहा है कि क्या संयुक्त राज्य अमेरिका को एक राज्य के रूप में शामिल किया जाए। एलेजेंद्रो मुरिएटा, जिसे अब डॉन एलेजेंद्रो डी ला वेगा के
नाम से जाना जाता है मतपंत्रों को चुराने की साजिश को विफल करता है, लेकिन जैकब मैंग्विनेस नामक एक बंदूकधारी के साथ लड़ाई के दौरान वह संक्षेप में अपना मुखौटा खो देता है। पिंकर्टन एजेंट की एक जोड़ उसका चेहरा देखती है और उसे पहचान लेती है। अगले दिन एजेंट एलेजेंद्रो की पत्नी एलेना का सामना करते हैं और उसे तलाक देने के लिए ब्लैकमेल करते हैं। 3 महीने बाद एलेना और उनके बेटे जैकोन से अलगाव और यह भावना कि लोगों को जब जोरी की जरूरत नहीं है एलेक्जेंड्रा पर अपना असर डाल रहे हैं। उनके बचपन के अभिभावक फादर फिलिप उनके फ्रेंच काउंट आर्म्ड के नए अंगूर के बाग में एक पार्टी में भाग लेने के लिए मना लेते हैं। वहाँ एलेक्जेंड्रा को पता चलता है कि एलेना काउंट को डेट कर रही है, जो उसके यूरोप में बताए समय की प्रशंसा है। पार्टी छोड़ने के बाद एलेजेंद्रो आर्म्ड की हवेली के पास एक बड़ा विस्फोट दिखता है और उस पर शक करता है। मैंग्विस एलेक्जेंद्रो के मित्र गिलोर्मी कोर्टेंज के परिवार पर हमला का नेतृत्व करता है ताकि उनकी भूमि का विलेख जब्त किया जा सके। अपना मुखौटा फिर से दान करते हुए जोरो गिलमोरो की पत्नी और बेटे को बचाने में सफल होता है, लेकिन गिलोर्मो और विलेख को बचाने में विफल रहता है। जोरो मैकगिविन्स को आर्म की हवेली तक ले जाता है और पता चलता है कि आर्म कोर्टेज की भूमि पर एक रेल मार्ग बनाने की योजना बना रहा है। वह एलेना का भी सामना करता है और आगामी शिपमेंट के बारे में सीखते हुए वह मैकगिविन्स को एक को में ट्रैक करता है और जहां मार्गों की वितरण किया जाता है उससे अनजान जोकिन ने मैकगिविन की गाड़ी पर एक सवारी भी रोक दी। एक क्लास फील्ड ट्रिप से बाहर हो गया। जोरो अपने बेटे को डाकुओं से बचाता है और शिपमेंट की जांच करते हुए वह उस माल का एक टुकड़ा देखता है। साबुन की एक पट्टी और ओब्रिस यूनम वाक्यास जिसका अर्थ है वन वर्ल्ड एक टोकरा ढक्कन पर लैटिन में वाक्यास पर शोध करने पर फिल्प और एलेक्जेंड्रो को पता चलता है कि आर्म्ड एक गुप्त समाज का मुखिया है। सूरवीर के कार ऑर्गन जो गुप्त रूप से यूरोप पर शासन कर रहा है। संयुक्त राज्य अमेरिका को सूरवीर के लिए खतरा माना जाता है, इसलिए वे बहुत अधिक शक्ति हासिल करने से पहले देश को अराजकता में फेंकने की योजना बना रहे हैं। तो फ्रेंड्स, आगे की स्टोरी जानने के लिए आपको द लेजेंड ऑफ ज़ोरो मूवी को देखना होगा। तो ये 2005 की एक्शन एडवेंचर मूवी है जिसका लेंथ 2 आवर 10 मिनट है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही हो तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं और बुरी लग रही हो तो आप इस वीडियो को डिसलाइक कर सकते हैं। और अभी तक आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर सकते हैं और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस कर ऑल को सेलेक्ट कर सकते हैं, जिससे हमारे आने वाली हर एक नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे और आप हमारे चैनल से जुड़े रहें। और फ्रेंड्स, आप हमारे वीडियो में बने रहें और हमारे वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें।